हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक है मूवी फेक्ट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी पौधा शनिवार फिल्म के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स चौबीस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है इसी के साथ दोस्तों जब ये फिल्म इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में इसके वजह से दोस्तों आप लोगों को ये आसानी से पता चल जाएगा कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे पहले आपको कौन सा यूरोप चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ फॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी रॉब में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यूट्यूब पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का है। तो लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगो से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है की अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक ही किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं सारीपुदा शनिवार फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक अथ्रिया सर ने लिखा है और निर्देशित किया है वहीं इस फिल्म का निर्माण के बारे में हम बात कर ले तो इसका निर्माण जो है दानिया सर ने दीबीबी एंटरटेनमेंट द्वारा किया है वहीं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में है इसी सर सा दोस्तों सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो एस जयसूर्या उनके अलावा आदित्य बालन साई कुमार और उनके अलावा सूफ लेकर सुधाकर भी इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आने वाले हैं अब बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 29 अगस्त 2024 को इंडिया में रिलीज किया जाएगा बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो इस मूवीज को बनाने में 90 करोड़ रुपया खर्च हुआ है वही दोस्तों इस फिल्म के बारे में सबसे पहले अक्टूबर दो में इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा अस्थायी शीर्षक नानी इकतीस के तहत की गई थी क्योंकि ये मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की इकतीसवीं फिल्म है और इसी के साथ आधिकारिक शीर्षक की घोषणा भी कुछ दिनों बाद की गई थी जो कि मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म का संगीत जेक विजय ने तैयार किया है जबकि फिल्म का छायांकन मुरली जी ने किया है वहीं संपादन के बारे में हम बात कर ले तो संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने की है वही दोस्तों सरिपोधा शनिवार फिल्म 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है अगर इस फिल्म के विकास और उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो मई 2023 के एंड में विवेक अथरेया और नानी को अंत्य सुधार निकी 2022 के बाद फिर से एक साथ आने की सूचना मिली थी यह नानी की प्रमुख भूमिका वाली इकतीसवीं फिल्म है जो कि इक्कीस अक्टूबर को परियोजना की आधिकारिक घोषणा आधिकारिक तौर पर जो है डीबीबी एंटरटेनमेंट द्वारा घोषित की गई थी इसका अस्थायी शीर्षक नानी इकतीस रखा गया था शीर्षक जो है सारी पौधा शनिवार तेईस अक्टूबर को सामने आया और वही चौबीस अक्टूबर दो हजार तेईस को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रूप के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था इसके साथ ही अक्टूबर दो हजार तेईस में प्रियंका मोहन और फिर एस जे सूर्या कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म के हीरो नानी के गैंग लीडर फिल्म 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करने वाली प्रियंका मोहन और फिर एच जे सूर्या ने भी कलाकारों में शामिल हो गए वही दोस्तों जीवी प्रकाश कुमार और फिर अनिरुद्ध रविचंद्र को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था लेकिन बाद में जेक बिजो इंकला मुरली जी और फिर जो है कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार छयाकार और संपादक के रूप में घोषित किया गया है अब इसी के साथ इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और पहला शेड्यूल उसी महीने के एंड में पूरा किया गया दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत तक शुरू हुआ था वहीं इस फिल्म संगीत के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बुजाई द्वारा नानी और अथरैया के साथ उनके पहले सहयोग में तैयार किया गया था ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे जबकि पहला एकल गरम गरम 25 जून दो हजार जून 2024 को रिलीज किया गया था और फाइनली इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो सरिपदा शनिवार उन्तीस अगस्त दो को तेलुगु में रिलीज होने वाली है साथ ही इसके दोस्तों तमिल मलयालम और कन्नड़ में इसके डॉप संस्करणिक संस्करणों के साथ इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा साथ इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार के बारे में हम बात कर ले तो नेटफ्लिक्स को बेच दिया गया है जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आपको वर्तमान में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा ये फिल्म इसी के साथ दोस्तों तेलुगु अभिनेता नानी ने कल अपना जन्मदिन मनाया अभिनेता के एक साल बड़े होने पर उनकी आगामी फिल्म के माताओं ने उनकी आगामी फिल्म की एक झलक साझा करके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है सारीपोदा शनिवार शीर्षक वाली फिल्म की झलक दर्शकों को फिल्म में दिखाए जाने के दिखाए जाने वाले एक्शन सीन की झलक जो है बाहर की गई सारीपोदा शनिवार दोस्तों ग्यारह पच्चीस मिनट की झलक जो है एक वॉयस ओवर से शुरू होती है जो कि क्रोध और गुस्से के बारे में बात किया जाता है वह सुबह से पता चलता है कि क्रोध के कई रूप होते हैं और हर जो है व्यक्ति का क्रोध अनोखा होता है ये लाइन फिल्म का टोन सेट करती है और ये दर्शकों के लिए फिल्म में क्या है इसका थोड़ा सा यहाँ पे संकेत दिया गया है जैसे जैसे फिल्म का ट्रेलर आगे बढ़ता है नानी नायक के रूप में उभर कर सामने आते हैं और वह यात्री सीट पर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जो है रिक्शा चलाते हुए दिखाई देते हैं वही दोस्तों आगे के बारे में हम बात कर ले तो रिलीज के बाद से ही टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया है फैंस ने फिल्म को पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है टीजर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फैन ने कहा एस जे सूर्या ऑन फायर आपकी एक्टिंग का आपकी एक्टिंग का डाई हार्ड फैन हूँ मैं वहीं दूसरे फैन ने लिखा है कि एस जे सूर्या को पहचान पहचान पाना मुश्किल हो चुका है साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाएँ दिया गया वहीं दोस्तों तीसरे फैन ने कमेंट किया वहीं ब्लॉकबस्टर बास्टर वाइब्स पहले ही आ चुकी है उन्होंने ये बताया सारी पौधा शनिवार की झलक से संगीत मिलती है कि फिल्म एक्शन से भरपूर होगी जो कि एक युवा व्यक्ति फिल्म की कहानी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं टीजर में शानदार संगीत भी होने वाला है जो कि आपको नानी के लिए उत्साहित जो है करेगा और उनकी एंट्री अनोखी है फिल्म में और ये आपको मुश कुरान पर मजबूर कर देगी आप जानते हैं कि उनकी एंट्री का नानी की एंट्री का स्वागत सिटीओ से होता है नानी के हुआ हमारे पास इस फिल्म में एज सूर्य है जो पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाई दे रहे हैं इस दमदार कास्ट के साथ आप मान सकते हैं कि फिल्म एक साथ एंटरटेन होने वाली है नानी एज सूर्य प्रियंका अरुलमोहन और फिर साई कुमार पी अभिनीत की गई यह सारी पौदा शनिवार को विवेक अथरैया ने लिखा है और निर्देशित किया है फिल्म का निर्माण दे भी दानिया सर ने किया हुआ है तो दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा तो दोस्तों अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सारी शरीदा शनिवार एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है साल 2024 के अंदर तो दोस्त अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं इसी के साथ दोस्तों अभिनेता नानी के बारे में हम बात कर ले तो नानी का जन्म 24 फरवरी 2024 को हुआ था एक हिंदू तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था वहीं इनकी करियर के बारे में हम बात कर ले तो स्नातक होने पर नानी को फिल्मों की लत लग गई थी जो कि उनका मानना था कि मणि रत्नम उन पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और वह निर्देशक जो है बनना चाहते थे पहले हालांकि निर्माता अनिल कुमार निर्माता अनिल कुमार के नेहरू ने उन्हें अपने प्रोडक्शन जो है राधा गोपालम 2005 में ने निर्देशक जो है बाबू के साथ है क्लैब जो है डायरेक्टर के रूप में इनको काम पे रखा था जो कि इसके बाद उन्होंने अल्लारी ग्लोटू फिल्म 2005 पर काम किया इसके अलावा अस्त्रम 2006 पर और फिर जो है धी दो जो फिल्मों के लिए काम किया नानी ने एक फिल्म की पटकथा पर काम करने के लिए एक विश्राम लिया था जो कि फिल्म के अंदर भार्गवी मल्लेला उनके एक दोस्त थी जो कि उस समय जो है वर्ल्ड स्पेस यानी से कि सेटेलाइट के लिए आरजे के रूप में काम कर रही थी उन्होंने नानी को आरजे के रूप में काम की काम की पेशकश की थी फिर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और एक साल तक वहाँ काम किया था वही दोस्तों बता दें निर्देशक मोहन कृष्णा उनके अलावा इंदर क्रांति ने नानी को एक विज्ञापन में देखा और फिर उन्हें जो है वो पुरोक्त फिल्म जो अष्ट चम्मा में एक भूमिका की पेशकश कर दी जिसमें फिल्म के अंदर शुवाती रेड्डी भी थी जो कि अष्ट चम्मा को आलोचकों ने खूब ज़्यादा सराहा और फिर नानी के प्रदर्शन की प्रशंसाएं की उन्होंने काफ़ी बेहतरीन इसमें अभिनय किया साथ ही सेफी डॉट कॉम ने लिखा था नानी की स्क्रीन पर उपस्थिति बहुत ही अच्छी है और उनमें अच्छी भावनाएँ भी हैं और वह अच्छा नृत्य भी करते हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी कभी जो है फिल्म के अंदर शुभ लेखा सुधाकर की याद दिला देती है और इसे उस सहजता के लिए प्रशंसा के रूप में माना जा सकता है बताया गया जो कि अनुभवी अभिनेता स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे उनकी लत भी अच्छी है जो कि उनकी दूसरी फिल्म जो है राइड का निर्माण भी है वही दोस्तों कुंडा सुरेश ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था जिसमें तनिष जिसमें तनिष सवेता और फिर जो है बासु प्रसाद और फिर अक्ष यानी की और दासनी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी राइट भी बॉक्स ऑफिस पर एक उल्लेखनीय सफलता फिल्म थी जो कि दोस्तों बता दें कि भीमी ने कबड्डी जट्टू में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी जो कि फिल्म के अंदर यहाँ पे विनीला कबड्डी और वे की कुमेक थी जिसमें दोस्तों बता दें कि सरनैया मोहन ने नायिका के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया नानी के अभिनय की सराहना के साथ फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली इसके साथ ही दोस्तों रेडीफ डॉट कॉम के तरफ से रिव्यू करते हुए कहा गया था नानी भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं और इस स्क्रिप्ट का चयन करने के लिए उनकी सराहना भी की गई और वन इंडिया ने टिप्पणी किया था कि नानी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आश्चर्यजनक हिट साबित हुई थी अब दोस्तों साल 2014 के बाद 2011 में उनकी पहली रिलीज मूफीज अल्लाह मोडलैंडी फिल्म थी जिसमें नंदिनी रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित की गई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी मूवी जो कि जहां पे दोस्तों की उन्हें जो है नित्य मिलन के साथ कास्ट किया गया था फिल्म में वही फिल्म में नानी के प्रदर्शन नानी के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी आलोचकों ने कहा था कि वह पूरी तरह से जो है स्वाभाविक थे और अपनी भूमिका को जी रहे थे फिल्म में वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी इसके साथ ही उन्होंने एक तमिल फिल्म जो है बेपम में भी काम किया जो तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी वहीं बेपम को मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दोस्तों नानी की सराहना हुई थी जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आलोचक ने उनके डेब्यू को आत्मविश्वास से भरा हुआ कहा जबकि सिफी ने उनके प्रदर्शन को दिलचस्प कहा था और इसे तेलुगु में जो है सेगा के रूप में ड्रॉफ किया गया था नानी की साल की आखिरी रिलीज मूवी जो है पिल्ला जमींदार फिल्म थी जिसे जो आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी और फिर दोस्तों यहाँ पे बिग ड बच्चे से नेता बने नानी की अभिनय की खूब ज्यादा सराहना हुई थी राधिका राजमरी ने कहा था कि ये पूरी तरह से नानी का शो है और वह भूमिका में खड़े उतरते हैं और फिर उन्हें जो अपेक्षित जो भावनाओं के बहु प्रदर्शकों को चित्रित करने में काफी ज्यादा सक्षम है इंडिया गेलेट ने लिखा था प्रदर्शन के लिहाज से नानी ने दूसरे भाग में आत्मा आत्मनिरक्षण आत्मनिरीक्षण काम किया है आत्मा सुधार मोर में एक युवा के रूप में एक पगवता दिया है। ये फिल्म पर ये किया गया नानी की, की पहली रिलीज मूवी जो है एस एस राजामौली की लाइव एक्शन प्रोजेक्ट यानी कि ईगा फिल्म थी तमिल में नानी ई के रूप में एक साथ शूट की गई फिल्मों में काम किए इसमें उनके साथ जो है समान प्रभु थे और फिर जो है इसे ज्यादातर जो है सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली वही बता दें राजीव मंशद ने कहा था कि नानी उन कुछ यानी कि देशों में प्रेमी लड़कों के रूप में छा गए हैं जिनमें उन्हें देखा गया है जबकि अन्य आलोचकों ने भी कहा था कि वह सीमित स्क्रीन समय में एक छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक फिल्म थी और इसे हिंदी में भी मखी और मलयालम में ईचा के रूप में ड्रॉप किया गया था उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज मूवी गौतम वासुदेव मिलन की यहाँ पे ये तो और फिर जो है बिल्ली जो है फिल्म थी जिसमें जो उन्होंने समानता के साथ एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई थी द हिंदू से संगीता दंडू ने कहा था नारी ने परिपक्वता अभिनय के साथ इस अवसर को भुनाया है और वह अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाती है और इसी के साथ वरुण के विचारों को सबसे छोटे छोटे हाव भाव के माध्यम से व्यक्त किया गया है चर्मोत्कर्ष के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म का चरमो तक चर्मोत्कर्ष यहाँ पे पूरी तरह से उनका ही है क्योंकि सी एन एन आई बी एन ने उन्हें जो है सर्वोत्कृष्ट रूप से जो है स्वाभाविक पाया हालांकि फिल्म को और फिर समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली है नानी और समानता के अभिनय के कारण बॉक्स ऑफिस पर इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिर नानी को अब तक का अपना पहला और एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी मिल चुका है इस तरह से 2014 में नारी को पहली बार कृष्णा वामसी की फिल्म जो है पैसा में देखा गया था और ये फिल्म पैसों की ताकत और फिर समाज में हर चीज़ पर उसके प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती हुई चीज़ों को फिल्म में दिखाया है दोस्तों नानी ने प्रकाश की भूमिका फिल्म में निभाई जो कि एक शर्वारी मॉडल है फिल्म में जिसे पैसा कमाने का जुनून है फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिलती है रिलीज होने पर फिर भी नानी के अभिनय को आलोचकों ने सराहा था हिंदू समीक्षक ने नोट किया था कि वह फिल्म को एक साथ रख सकते हैं और अपनी योग्यता को एक बार फिर जो है साबित करते हैं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अपादा फिल्म थी जो कि इसके बाद जो है उन्होंने यश राज दक्षिण भारतीय जो है, भार है प्रोडक्शन आहा आल्याण में अभिनय किया दो हजार की हिंदी फिल्म जो है बैड बैंड बाजा बरात की तमिल रीमेक थी और फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली रिलीज होने पर साथ ही नानी ने पहली बार राजनीतिक थ्रिलर जो है जानदा पे कपी राजू में अमला पॉल के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई थी जिसे तमिल में फिल्म के अंदर जो है निमी रंधो नील के रूप में बनाया गया था जिसने जिसमें जो है नानी की भूमिका में जयम रवि थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आबादा फिल्म साबित हुई थी जो कि यहाँ पे युवत और फिर सुब्रहण्यम में एक जो है यहाँ पे आई 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 एम स्नातक को चित्रित किया था जिसे जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी इसी के साथ इस फिल्म के बारे में हेमंत कुमार ने इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक करार दिया और कहा नानी पूरी फिल्म में चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रतिभा के अपने अपने शस्त्र शस्त्रगार में गहराई से उतरते हैं उनकी अंतिम रिलीज जो है भले 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 जो है फिल्म के अंदर माग दिव्य थी नानी ने यहाँ पे लओवाना त्रिपाठी के साथ एक के अनुपस्थिति दिमाग वाले जो है जूनियर और फिर जो है वरिष्ठ पारस्त्री की भूमिका निभाई थी आपको बता दें बेंगलोर जो है मिरर के एन सेतु माधवन ने नानी को ताजा देखने लायक प्रतिभा कहा और त्रिपाठी के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसाएं की डेकन क्रिनिकल के तरफ से सुरेश जो है कभी रैली ने कहा था नानी का पूरा शो चाहे वह हास्य हो या फिर जो है भावना भरा हो या फिर रोमांस वाला वालों नानी इसे आसानी से कर देते हैं उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर जो है टिक्स फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी सराहा था इस तरह से दोस्तों आपको बता दें भले भले यहाँ पे मुगा दिवे के बाद जो है नानी ने दो में अधिक आलोचनात्मक जो है प्रशंसा अर्जित की जो कि उनकी पहली रिलीज मूवी कृष्णा गारी बीरा प्रेम गांधी वाली फिल्म थी जिसमें जो है मेहरीन परिजादा ने अभिनय की थी इस फिल्म को लोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी हंस इंडिया ने कहा था निश्चिंत रूप से नानी का एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला जो कि अपनी ताकत के अनुसार खेलते हैं फिल्म में और इस स्क्रीन पर अपने चरित्र को एक स्वाभाविक जो है एहसास भी देते हैं दर्शकों में भारत में नानी की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी रिलीज होने पर जिसने भले भले मग दिवे मग वे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अपनी अगली फिल्म में नारी ने जेंटलमैन में, में शुरी और फ्यजय निवेथा थोमस के निवेथा थोमस के साथ अभिनय किया था ये व्यवसायी और फिर जो है आई ए एम इस नाटक की दोहरी भूमिका वाली फिल्म थी और ये जो है ईगा और भाले भाले जो है मगा दिवे के बाद उनकी तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इसने उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया जयो अच तानदन ने और फिर जो है रेजीना और फिर जो है को बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाने के बाद जो है नानी ने उस साल की अपनी आखिरी फिल्म जो है मजनू में अनु अनु इमेनुअल के साथ सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई और ये एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई थी बॉक्स ऑफिस पर इसी के साथ सुपरस्टार नानी ने 2017 में व्यावसायिक सफलता के साथ खुद को साबित किया जहां पे तिरनाथ राव और फिर जो है नक्कीना द्वारा निर्देशित की गई नैनो लोकल नानी की वर्स की सबसे पहली फिल्म थी यहाँ पे वो कीर्ति सुरेश के साथ दिखाई दिए थे वहीं पे दोस्तों आइडियल ब्रेन ने उनके प पर, उनके प्रदर्शन की सराहना की और कहा था कि वह फिल्म को अकेले दम पर आगे बढ़ाते हैं ये फिल्म नानी की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई यहाँ पे नीनू कोरी में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी जिसमें दोस्तों ने थॉमस के साथ फिर से काम किया वही हालांकि इस फर्स्ट पोस्ट के तरफ से एक आलोचक ने कहा था नानी बहुत ही बढ़िया फिल्म में हालांकि उनका एक मजाक किया पक्ष भी है फिल्म में लेकिन पूरी फिल्म में उन्होंने काफ़ी भावनात्मक भरा काम किया है द इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से प्रियंका सुंदर ने उन्हें दोहराव दाव पाया और बाद में उसी साल उन्होंने साई पल्लवी के साथ जो है मिडिल क्लास और फिर जो अबाय में इडेटिक जो है और फिर जो है मेमोरी वाले एक लड़के की भूमिका निभाई थी ये फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई जिसने जो है नैनू लोकल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी इस तरह से 2018 की अपनी पहली फिल्म में नानी ने अनुपमा परमेश्वरन और फिर जो है जो है ढीलन के साथ कृष्णा अर्जुन के साथ युद्धम फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई थी लगातार आठ सफलताओं के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही उनकी देवदास में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई जहां पे वह नाग अर्जुन और फिर जो आकांक्षा सिंह और उनके अलावा रश्मिका मंद्रा के साथ दिखाई दिए फिल्म अपने बड़े बजट के कारण बॉक्स ऑफिस पर औसत रही वही द इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से कृष्णा श्रीबाद ने कहा नानी किरदार की तवज्जा में उतर जाते हैं और घटिया लेखन को सहने योग्य बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं साल 2019 में दोस्तों नानी की पहली रिलीज मूवी श्रद्धा श्रीनिवास के साथ जो है जर्सी फिल्म रिलीज हुई थी जहाँ पे उन्होंने एक पूर्व क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी जो कि अपनी बेटे के लिए क्रिकेट को फिर से शुरू करता है ये फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता साबित हुई इसे उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है और इसे 2019 की सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म में से एक माना जाता है हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हरीशरण पुर द्विपेदी ने कहा नानी अर्जुन के रूप में बहुत ही बढ़िए थे और फिर वह कुछ समय से इस भूमिका में इतने सहज नहीं दिखे हैं इसी के साथ इंडिया टुडे की तरफ से जर्नी ने इस फिल्म के बारे में कहा था जर्सी के लिए नानी के भाव बिल्कुल जो है सही है और वह एक आक्रामक दाएँ हाथ के बल्लेबाज की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाते हैं जो किनानी की क्रिकेट टेक्निक और फिर जो है शेयर्स पर काफ़ी बेहतरीन आधारित फिल्म थी इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सिम्बा क्रिटिक्स अवार्ड भी जिताया था टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से सुहास और फिर जो है एला पान्तुलु ने उन्हें जो है फिल्म का दिल और फिर आत्मा कहा और कहा था कि फिल्म को जीवन देना चाहिए था 2020 में नानी की एकमात्र रिलीज मूवी उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी जिसमें जो है उन्होंने अदिति राव हैदरी के साथ एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई थी ये फिल्म नानी की पहली जो है ओ टी प्लेटफॉर्म की तरफ से थी जो कि अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और ये उनका पहला नकारात्मक किरदार था और मिश्र समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई द न्यूज हिमेंट की तरफ से सौम्या राजेंद्र ने कहा नानी जब भी जो है आगे बढ़ती तो निश्चिंत रूप से यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि वह जो है सहज रूप से मज़ेदार और अपने जो है डार के ह्यूमर से अपने आसपास के लोगों को डराते हैं लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद आप उनके कार्यों पर सवाल उठाएंगे आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सुपरस्टार नानी की मच्छर फिल्म जिसका नाम है सरिपुदा तो दोस्तों ये फिल्म दो में रिलीज होने वाली है आज के इस वीडियो में हमने इस मूवीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है तो दोस्तों उम्मीद कर दो आज का रिव्यू एक्सप्रेशन आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो में बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक है मूवी फैक्ट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी पौधा शनिवार फिल्म के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉ में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स चौबीस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है इसी के साथ दोस्तों जब ये फिल्म इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है इस मूवी की प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में इसके वजह से दोस्तों आप लोगों को ये आसानी से पता चल जाएगा की ये फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे पहले आपको कौन सा यूरोप चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डॉब में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज किस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक ही मोई को नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सारी पुदा शनिवार के बारे में दोस्तों ये फिल्म तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक सर ने लिखा है और निर्देशित किया है वहीं इस फिल्म का निर्माण के बारे में हम बात कर ले तो इसका निर्माण जो है दानिया सर ने दीबीबी एंटरटेनमेंट द्वारा किया है वहीं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में है इसी सर सा दोस्तों सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो एस जयसूर्या उनके अलावा आदित्य बालन साई कुमार और उनके अलावा सूफ लेकर सुधाकर भी इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आने वाले हैं अब बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 29 अगस्त 2024 को इंडिया में रिलीज किया जाएगा बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो इस मूवीज को बनाने में 90 करोड़ रुपया खर्च हुआ है वही दोस्तों इस फिल्म के बारे में सबसे पहले अक्टूबर दो में इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा स्थायी शीर्षक नानी इकतीस के तहत की गई थी क्योंकि ये मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की इकतीसवीं फिल्म है और इसी के साथ आधिकारिक शीर्षक की घोषणा भी कुछ दिनों बाद की गई थी जो कि मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म का संगीत जेक विजय ने तैयार किया है जबकि फिल्म का छायांकन मुरली जी ने किया है वही संपादन के बारे में हम बात कर ले तो संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने की है वही दोस्तों सरिपोधा शनिवार फिल्म 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है अगर इस फिल्म के विकास और उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो मई 2023 के एंड में विवेक अथरेया और नानी को अंत्य सुधार निकी 2022 के बाद फिर से एक साथ आने की सूचना मिली थी यह नानी की प्रमुख भूमिका वाली इकतीसवीं फिल्म है जो कि 21 अक्टूबर को परियोजना की आधिकारिक घोषणा आधिकारिक तौर पर जो है डीबीबी एंटरटेनमेंट द्वारा घोषित की गई थी इसका अस्थायी शीर्षक नानी इकतीस रखा गया था शीर्षक जो है सारी पौधा शनिवार तेईस अक्टूबर को सामने आया और वही चौबीस अक्टूबर दो हजार तेईस को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था इसके साथ ही अक्टूबर दो हजार तेईस में प्रियंका मोहन और फिर एस जे सूर्या कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म के हीरो नानी के गैंग लीडर फिल्म 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करने वाली प्रियंका मोहन और फिर एच जे सूर्या ने भी कलाकारों में शामिल हो गए वही दोस्तों जी प्रकाश कुमार और फिर अनिरुद्ध रविचंद्र को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था लेकिन बाद में जेक बिजो इंकला मुरली जी और फिर जो है कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार छयाकार और संपादक के रूप में घोषित किया गया है अब इसी के साथ इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और पहला शेड्यूल उसी महीने के एंड में पूरा किया गया दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत तक शुरू हुआ था वहीं इस फिल्म संगीत के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बुजाई द्वारा नानी और अथरैया के साथ उनके पहले सहयोग में तैयार किया गया था ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे जबकि पहला एकल गरम गरम 25 जून दो हजार जून 2024 को रिलीज किया गया था और फाइनली इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो सरिपदा शनिवार उन्तीस अगस्त दो को तेलुगु में रिलीज होने वाली है साथ ही इसके दोस्तों तमिल मलयालम और कन्नड़ में इसके डॉप संस्करण संस्करणों के साथ इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा साथ इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार के बारे में हम बात कर ले तो नेटफ्लिक्स को बेच दिया गया है जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आपको वर्तमान में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा ये फिल्म इसी के साथ दोस्तों तेलुगु अभिनेता नानी ने कल अपना जन्मदिन मनाया अभिनेता के एक साल बड़े होने पर उनकी आगामी फिल्म के माताओं ने उनकी आगामी फिल्म की एक झलक साझा करके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है सारिपौदा शनिवार शीर्षक वाली फ़िल्म की झलक दर्शकों को फिल्म में दिखाए जाने के दिखाए जाने वाले एक्शन सीन की झलक जो है बाहर की गई सारिपौदा शनिवार दोस्तों ग्यारह पच्चीस मिनट की झलक जो है एक वायस ओवर से शुरू होती है जो कि क्रोध और गुस्से के बारे में बात किया जाता है वह ओवर से पता चलता है कि क्रोध के कई रूप होते हैं और हर जो है व्यक्ति का क्रोध अनोखा होता है ये लाइन फिल्म का टोन सेट करती है और ये दर्शकों के लिए फिल्म में क्या है इसका थोड़ा सा यहाँ पे संकेत दिया गया है जैसे जैसे फिल्म का ट्रेलर आगे बढ़ता है नानी नायक के रूप में उभर कर सामने आते हैं और वह यात्री सीट पर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जो है रिक्शा चलाते हुए दिखाई देते हैं वही दोस्तों आगे के बारे में हम बात कर ले तो रिलीज के बाद से ही टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया है फैंस ने फिल्म को पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है टीजर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फ़ैन ने कहा एस जे सूर्या ऑन फायर आपकी एक्टिंग का आपकी एक्टिंग का डाई हार्ड फैन हूँ मैं वहीं दूसरे फैन ने लिखा है कि एस जे सूर्या को पहचान पहचान पाना मुश्किल हो चुका है साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाएँ दिया गया वहीं दोस्तों तीसरे फैन ने कमेंट किया वहीं ब्लॉक बास्टर वाइब्स पहले ही आ चुकी है उन्होंने ये बताया सारी पौधा शनिवार की झलक से संगीत मिलती है कि फिल्म एक्शन से भरपूर होगी जो कि एक गुस्सैल युवा व्यक्ति फिल्म की कहानी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं टीजर में शानदार संगीत भी होने वाला है जो कि आपको नानी के लिए उत्साहित जो है करेगा और उनकी एंट्री अनोखी है फिल्म में और ये आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी आप जानते हैं कि उनकी एंट्री का नानी की एंट्री का स्वागत होता है नानी के अलावा हमारे पास इस फिल्म में एस डे है जो पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाई दे रहे हैं इस दमदार कास्ट के साथ आप मान सकते हैं कि फिल्म एक साथ एंटरटेन होने वाली है नानी एसडे सूर्या प्रियंका अरुल मोहन और फिर साई कुमार पी अभिनीत की गई ये सारी पोता शनिवार को विवेक अथरैया ने लिखा है और निर्देशित किया है फिल्म का निर्माण दे भी दानिया सर ने किया हुआ है तो दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा तो दोस्तों अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सारी खुदा शनिवार एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है साल 2024 के अंदर तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं इसी के साथ दोस्तों अभिनेता नानी के बारे में हम बात कर ले तो नानी का जन्म 24 फरवरी 2024 को हुआ था एक हिंदू तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था वही इनकी करियर के बारे में हम बात कर ले तो इस स्नातक होने पर नानी को फिल्मों की लत लग गई थी जो कि उनका मानना था कि मणि रत्नम उन पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और वह निर्देशक जो है बनना चाहते थे पहले हालांकि निर्माता अनिल कुमार निर्माता अनिल कुमार के नेू ने उन्हें अपने प्रोडक्शन्स जो है राधा गोपालम दो में निर्देशक जो है बाबू के साथ क्लैब जो है डायरेक्टर के रूप में इनको काम पर रखा था जो कि इसके बाद उन्होंने अल्लारी ब्लूटूथ फिल्म 2005 पर काम किया इसके अलावा अस्लम 2006 पर और फिर दो हज़ार सात से ही जो फिल्मों के लिए काम किया नारी ने एक फिल्म की पदकथा पर काम करने के लिए एक विश्राम लिया था जो कि फिल्म के अंदर भार्गवी मल्लेला उनके एक दोस्त थी जो कि उस समय जो है वर्ल्ड स्पेस यानी से कि सेटेलाइट के लिए आरजे के रूप में काम कर रही थी उन्होंने नानी को आरजे के रूप में काम की काम की पेशकश की थी फिर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और एक साल तक वहां काम किया था वही दोस्तों निर्देशक मोहन कृष्णा उनके अलावा इंद्र क्रांति ने नानी को एक विज्ञापन में देखा और फिर उन्हें जो है वो फिल्म जो अष्ट चम्मा में एक भूमिका की पेशकश कर दी जिसमें फिल्म के अंदर सुवाति रेड्डी भी थी जो कि अष्ट चम्मा को आलोचकों ने खूब ज़्यादा सराहा और फिर नानी के प्रदर्शन की प्रशंसाएँ की उन्होंने काफ़ी बेहतरीन इसमें अभिनय किया साथ ही सेफी डॉट कॉम ने लिखा था नानी की स्क्रीन पर उपस्थिति बहुत ही अच्छी है और उनमें अच्छी भावनाएं भी हैं और वह अच्छा नृत्य भी करते हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी कभी जो है फिल्म के अंदर शुभ लेखा शुभ की याद दिला देती है और इसे उसे सहजता के लिए प्रशंसा के रूप में माना जा सकता है बताया गया जो कि अनुभवी अभिनेता स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे थे उनकी लत भी अच्छी है जो कि उनकी दूसरी फिल्म जो है राइड का निर्माण भी है वहीं दोस्तों विलम कुंडा सुरेश ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था जिसमें तनिस जिसमें तनिस सिवेता और फिर जो है बासु प्रसाद और फिर अक्ष यानी और दासनी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी भी बॉक्स ऑफिस पर एक उल्लेखनीय सफलता फिल्म थी जो कि दोस्तों बता दें कि भीमी मिली कबड्डी जट्टू में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी जो कि फिल्म के अंदर यहाँ पे विनीला कबड्डी और कुछ की रिमेक्ट थी जिसमें दोस्तों बता दें कि सरनै मोहन ने नायिका के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया नानी के अभिनय की सराहना के साथ फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली इसके साथ ही दोस्तों रेडियो डॉट कॉम की तरफ से रिव्यू करते हुए कहा गया था नानी भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं और इस स्क्रिप्ट का चयन करने के लिए उनकी सराहना भी की गई और वन इंडिया ने टिप्पणी किया था कि नानी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आश्चर्यजनक हिट साबित हुई थी अब दोस्तों साल दो के बाद दो में उनकी पहली रिलीज मोबिज अल्लाह मोडलैंडी फिल्म थी जिसमें नंदिनी रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित की गई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी मूवी जो कि जहाँ पे दोस्तों फ़सादे की उन्हें जो है नित्य मिलन के साथ कास्ट किया गया था फिल्म में वहीं फिल्म में नानी के प्रदर्श नानी के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी आलोचकों ने कहा था कि वह पूरी तरह से जो है स्वाभाविक थे और अपनी भूमिका को जी रहे थे फिल्म में वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही थी इसके साथ ही उन्होंने एक तमिल फिल्म जो है बेपम में भी काम किया जो तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी वहीं बेपम को मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दोस्तों नानी की सराहना हुई थी जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आलोचक ने उनके डेब्यू को आत्मविश्वास से भरा हुआ कहा जबकि सिफी ने उनके प्रदर्शन को दिलचस्प कहा था और इसे तेलुगु में जो है सेगा के रूप में ड्रॉफ किया गया था नानी की साल की आखिरी रिलीज मूवी जो है पिल्ला जमींदार फिल्म थी जिसे जो आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी और फिर दोस्तों यहाँ पे बिग ड बच्चे से नेता बने नानी की अभिनय की खूब ज़्यादा सराहना हुई थी राधिका राजमरी ने कहा था कि ये पूरी तरह से नानी का शो है और वह भूमिका में खड़े उतरते हैं और फिर उन्हें जो अपेक्षित जो भावनाओं के बहु प्रदर्शकों को चित्रित करने में काफी ज्यादा सक्षम है इंडिया ग्लेज़ ने लिखा था प्रदर्शन के लिहाज से नानी ने दूसरे भाग में आत्मा आत्मनिरक्षण निरक्षण काम किया है आत्मा सुधार मोर में एक युवा के रूप में एक

वही बता दें राजीव मंसर ने कहा था कि नानी उन कुछ यानी कि देशों में प्रेमी लड़कों के रूप में छा गए हैं जिनमें उन्हें देखा गया है जबकि अन्य आलोचकों ने भी कहा था कि वह सीमित स्क्रीन समय में एक छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इसे हिंदी में भी मक्खी और मलयालम में ईचा के रूप में ड्रॉप किया गया था उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज मूवी गौतम वासुदेव मिलन की यहाँ पे ये तो और फेयर जो है बिल्ली जो है समानता के साथ एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई थी द हिंदू से संगीता दंडू ने कहा था नारी ने परिपक्वता के साथ इस अवसर को भुनाया है और वह अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाती है और इसी साथ के साथ वरुण के विचारों को सबसे छोटे छोटे हाव भाव के माध्यम से व्यक्त किया गया है चर्मोत्कर्ष के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म का चरमो तक चर्मोत्कर्ष यहाँ पे पूरी तरह से उनका ही है क्योंकि सी एन एन आई बी एन ने उन्हें जो है सर्वोत्कृष्ट रूप से जो है स्वाभाविक पाया हालांकि फिल्म को और फिर समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली है नानी और समानता के अभिनय के कारण बॉक्स ऑफिस पर इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिर नानी को अब तक का अपना पहला और एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी मिल चुका है इस तरह से 2014 में नारी को पहली बार कृष्णा वामचे की फिल्म जो है पैसा में देखा गया था और ये फिल्म पैसों की ताकत और फिर समाज में हर हाँ चीज़ पर उसके प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती हुई चीज़ों को फिल्म में दिखाया है दोस्तों नानी ने प्रकाश की भूमिका फिल्म में निभाई जो कि एक शर्वारी मॉडल है फिल्म में जिसे पैसा कमाने का जुनून है फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिलती है रिलीज होने पर फिर भी नानी के अभिनय को आलोचकों ने सराहा था हिंदू समीक्षक ने नोट किया था कि वह फिल्म को एक साथ रख सकते हैं और अपनी योग्यता को एक बार फिर जो है साबित करते हैं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म थी जो 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 कि इसके बाद है है उन्होंने राज से फिल्म्स की पहली दक्षिण भारतीय जो है, है प्रोडक्शन आहा आल्याण में अभिनय किया दो हजार की हिंदी फिल्म जो है बैड बैंड बाजा बरात की तमिल रीमेक थी और फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली रिलीज होने पर साथ ही नानी ने पहली बार राजनीतिक थ्रिलर जो है जानदा पे कपी राजू में अमला पॉल के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई थी जिसे तमिल में फिल्म के अंदर जो है निमी रंधो नील के रूप में बनाया गया था जिसने जिसमें जो है नानी की भूमिका में जयम रवि थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आबादा फिल्म साबित हुई थी जो कि यहाँ पे युवत ने और फिर सुब्रमण्यम में एक जो है यहाँ पे आई 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 एम स्नातक को चित्रित किया था जिसे जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी इसी के साथ इस फिल्म के बारे में हेमंत कुमार ने इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक करार दिया और कहा नानी पूरी फिल्म में चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रतिभा के अपने अपने शस्त्र शस्त्रगार में गहराई से उतरते हैं उनकी अंतिम रिलीज जो है भले 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 जो है फिल्म के अंदर माग दिव्य थी नानी ने यहाँ पे लाइना त्रिपाठी के साथ एक के अनुपस्थिति दिमाग वाले जो है जूनियर और जो है वरिष्ठ पारस्त्री की भूमिका निभाई थी आपको बता दें बेंगलोर जो है मिरर के एन सेतु माधवन ने नानी को ताजा देखने लायक प्रतिभा कहा और त्रिपाठी के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसाएं की लेकिन क्रिनिकल के तरफ से सुरेश जो है कभी रैनी ने कहा था नानी का पूरा शो चाहे वह हास्य हो या फिर जो है भावना भरा हो या फिर रोमांस वाला वालों नानी इसे आसानी से कर देते हैं उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर जो है टिक्स फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी सराहा था इस तरह से दोस्तों आपको बता दें भले भले यहाँ पे मुगा दिवे के बाद जो है नानी ने दो में अधिक आलोचनात्मक जो है प्रशंसा अर्जित की जो कि उनकी पहली रिलीज मूवी कृष्णा गारी बीरा प्रेम गांधी वाली फिल्म थी जिसमें जो है मेहरीन परिजादा ने अभिनय की थी इस फिल्म को लोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी हंस इंडिया ने कहा था निश्चिंत रूप से नानी का एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला जो कि अपनी ताकत के अनुसार खेलते हैं फिल्म में और इस स्क्रीन पर अपने चरित्र को एक स्वाभाविक जो है एहसास भी देते हैं दर्शकों में भारत में नानी की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी रिलीज होने पर जिसने भले भले मग दिवे मग दी वे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अपनी अगली फिल्म में नारी ने जेंटलमैन में, में शुरी और फ्यज निवे थॉमस के निवेथा थॉमस के साथ अभिनय किया था ये व्यवसायी और फिर जो है आई ए एम इस नाते की दोहरी भूमिका वाली फिल्म थी और ये जो है ईगा और भाले भाले जो है मगा दिवे के बाद उनकी तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इसने उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया जयो अच तानदन ने और फिर जो है रेजीना और फिर जो है को बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाने के बाद जो है नानी ने उस साल की अपनी आखिरी फिल्म जो है मजनू में अनु अनु इमेनुअल के साथ सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई और ये एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई थी बॉक्स ऑफिस पर इसी के साथ सुपरस्टार नानी ने 2017 में व्यावसायिक सफलता के साथ खुद को साबित किया जहां पे त्रनाथ राव और फिर जो है नक्कीना द्वारा निर्देशित की गई नैनो लोकल नानी की वर्स की सबसे पहली फिल्म थी यहाँ पे वो कीर्ति सुरेश के साथ दिखाई दिए थे वहीं पे दोस्तों आइडियल ब्रेन ने उनके पा पर, उनके प्रदर्शन की सराहना की और कहा था कि वह फिल्म को अकेले दम पर आगे बढ़ाते हैं ये फिल्म नानी की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई यहाँ पे नीनू कोरी में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी जिसमें दोस्तों ने थॉमस के साथ फिर से काम किया वही हालांकि इस फर्स्ट पोस्ट की तरफ से एक आलोचक ने कहा था नानी बहुत ही बढ़िया फिल्म में हालांकि उनका एक, एक मजाक किया पक्ष भी है फिल्म में लेकिन पूरी फिल्म में उन्होंने काफ़ी भावनात्मक भरा काम किया है द इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से प्रियंका सुंदर ने उन्हें दोहराव दाव पाया और बाद में उसी साल उन्होंने साई पल्लवी के साथ जो है मिडिल क्लास और फिर जो अबाय में इडेटिक जो है और फिर जो है मेमोरी वाले एक लड़के की भूमिका निभाई थी ये फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई जिसने जो है नैनू लोकल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी इस तरह से 2018 की अपनी पहली फिल्म में नानी ने अनुपमा परमेश्वरन और फिर जो है जो है ढीलन के साथ कृष्णा अर्जुन के साथ युद्धम फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई थी लगातार आठ सफलताओं के बाद ये फिल्म बॉक्स छब्बीस असफल रही उनकी देवदास में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई जहां पे वह नाग अर्जुन और फिर जो आकांक्षा सिंह और उनके अलावा रश्मिका मंद्रा के साथ दिखाई दिए फिल्म अपने बड़े बजट के कारण बॉक्स ऑफिस पर औसत रही वही द इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से कृष्णा श्रीबाद ने कहा नानी किरदार की तवज्जा में उतर जाते हैं और घटिया लेखन को सहने योग्य बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं साल 2019 में दोस्तों नानी की पहली रिलीज मूवी श्रद्धा श्रीनिवास के साथ जो है जर्सी फिल्म रिलीज हुई थी जहाँ पे उन्होंने एक पूर्व क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी जो कि अपने बेटे के लिए क्रिकेट को फिर से शुरू करता है ये फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता साबित हुई इसे उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है और इसे 2019 की सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म में से एक माना जाता है हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हरीशरण पूर्ति ने कहा नानी अर्जुन के रूप में बहुत ही बढ़िए थे और फिर वह कुछ समय से इस भूमिका में इतने सहज नहीं दिखे हैं इसी के साथ इंडिया टुडे की तरफ से जर्नी ने इस फिल्म के बारे में कहा था जर्सी के लिए नानी के भाव बिल्कुल जो है सही है और वह एक आक्रामक दाएँ हाथ के बल्लेबाज की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाते हैं जो किनानी की क्रिकेट टेक्निक और फिर जो है शेयर्स पर काफ़ी बेहतरीन आधारित फिल्म थी इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सिम्बा क्रिटिक्स अवार्ड भी जिताया था टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से सुहास और फिर जो है एला ने उन्हें जो है फिल्म का दिल और फिर आत्मा कहा और कहा था कि फिल्म को जीवन देना चाहिए था 2020 में नानी की एकमात्र रिलीज मूवी उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी जिसमें जो है उन्होंने अदिति राव हैदरी के साथ एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई थी ये फिल्म नानी की पहली जो है ओ टी प्लेटफॉर्म की तरफ से थी जो कि अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और ये उनका पहला नकारात्मक किरदार था और मिश्र समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई द न्यूज की तरफ से सौम्या राजेंद्र ने कहा नानी जब भी जो है आगे बढ़ती तो निश्चिंत रूप से यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि वह जो है सहज रूप से मज़ेदार और अपने जो है डार के ह्यूमर से अपने आस पास के लोगों को डराते हैं लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद आप उनके कार्यों पर सवाल उठाएंगे आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सुपर स्टार नानी की मत फिल्म जिसका नाम है सरिपोदा सानीवार तो दोस्तों ये फिल्म दो में रिलीज होने वाली है आज के इस वीडियो में हमने इस मूवीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है तो दोस्तों उम्मीद कर तो आज का रिव्यू एक्सप्रेशन आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो में बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक है मूवी फैक्ट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी पौधा शनिवार फिल्म के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डॉब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स चौबीस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है इसी के साथ दोस्तों जब ये फिल्म इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है इस मूवी की प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में इसके वजह से दोस्तों आप लोगों को ये आसानी से पता चल जाएगा की ये फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे पहले आपको कौन सा यूरोप चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डॉब में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी के कि आज इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक ही किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं सारी पुदा शनिवार फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक सर ने लिखा है और निर्देशित किया है वहीं इस फिल्म का निर्माण के बारे में हम बात कर ले तो इसका निर्माण जो है देवी सर ने एंटरटेनमेंट द्वारा किया है वहीं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में है इसी शिक्षा दोस्तों सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो एस जयसूर्या उनके अलावा आदित्य बालन साई कुमार और उनके अलावा सूफ लेकर सुधाकर भी इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आने वाले हैं अब बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 29 अगस्त 2024 को इंडिया में रिलीज किया जाएगा बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो इस मूवीज को बनाने में 90 करोड़ रुपया खर्च हुआ है वही दोस्तों इस फिल्म के बारे में सबसे पहले अक्टूबर दो में इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा स्थायी शीर्षक नानी इकतीस के तहत की गई थी क्योंकि ये मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की इकतीसवीं फिल्म है और इसी के साथ आधिकारिक शीर्षक की घोषणा भी कुछ दिनों बाद की गई थी जो कि मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म का संगीत जेक विजय ने तैयार किया है जबकि फिल्म का छायांकन मुरली जी ने किया है वहीं संपादन के बारे में हम बात कर ले तो संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने की है वही दोस्तों सरिपोधा शनिवार फिल्म 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है अगर इस फिल्म के विकास और उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो मई 2023 के एंड में विवेक अथरेया और नानी को अंत्य सुधार निकी 2022 के बाद फिर से एक साथ आने की सूचना मिली थी यह नानी की प्रमुख भूमिका वाली इकतीसवीं फिल्म है जो कि इक्कीस अक्टूबर को परियोजना की आधिकारिक घोषणा आधिकारिक तौर पर जो है डीबीबी एंटरटेनमेंट द्वारा घोषित की गई थी इसका अस्थायी शीर्षक नानी इकतीस रखा गया था शीर्षक जो है सारी पौधा शनिवार तेईस अक्टूबर को सामने आया और वही 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था इसके साथ ही अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और फिर एसडी सूर्या कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म के हीरो नानी के गैंग लीडर फिल्म दो के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करने वाली प्रियंका मोहन और फिर एच जे सूर्या ने भी कलाकारों में शामिल हो गए वही दोस्तों जी प्रकाश कुमार और फिर अनिरुद्ध रविचंद्र को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था लेकिन बाद में जेक बिजो इंकिला मुरली जी और फिर जो है कार्तिका श्रीनिवास को कर्मश संगीतकार छयाकार और संपादक के रूप में घोषित किया गया है अब इसी के साथ इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और पहला शेड्यूल उसी महीने के एंड में पूरा किया गया दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत तक शुरू हुआ था वहीं इस फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैकुज द्वारा नानी और अथरैया के साथ उनके पहले सहयोग में तैयार किया गया था ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे जबकि पहला एकल गरम गरम 25 जून 2015 जून 2024 को रिलीज किया गया था और फाइनली इस फ की रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो सरिकोदा शनिवार उन्तीस अगस्त दो को तेलुगु में रिलीज होने वाली है साथ ही इसके दोस्तों तमिल मलयालम और कन्नड में इसके डॉप संस्करण संस्करणों के साथ इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा साथ इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार के बारे में हम बात कर ले तो नेटफ्लिक्स को बेच दिया गया है जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आपको वर्तमान में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा ये फिल्म इसी के साथ दोस्तों तेलुगु अभिनेता नानी ने कल अपना जन्मदिन मनाया अभिनेता के एक साल बड़े होने पर उनकी आगामी फिल्म के माताओं ने उनकी आगामी फिल्म की एक झलक साझा करके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है सारिपौदा शनिवार शीर्षक वाली फिल्म की झलक दर्शकों को फिल्म में दिखाए जाने के दिखाए जाने वाले एक्शन सीन की झलक जो है बाहर की गई सारिपौदा शनिवार दोस्तों ग्यारह पच्चीस मिनट की झलक जो है एक वायस ओवर से शुरू होती है जो कि क्रोध और गुस्से के बारे में बात किया जाता है वह सुबह से पता चलता है कि क्रोध के कई रूप होते हैं और हर जो है व्यक्ति का क्रोध अनोखा होता है ये लाइन फिल्म का टोन सेट करती है और ये दर्शकों के लिए फिल्म में क्या है इसका थोड़ा सा यहाँ पे संकेत दिया गया है जैसे जैसे फिल्म का ट्रेलर आगे बढ़ता है नानी नायक के रूप में उभर कर सामने आते हैं और वह यात्री सीट पर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जो है रिक्शा चलाते हुए दिखाई देते हैं वही दोस्तों आगे के बारे में हम बात कर ले तो रिलीज के बाद से ही टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया है फैंस ने फिल्म को पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है टीजर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फैन ने कहा एस जे सूर्या ऑन फायर आपकी एक्टिंग का आपकी एक्टिंग का डाई हार्ड फैन हूँ मैं वहीं दूसरे फैन ने लिखा है कि एस जे सूर्या को पहचान पहचान पाना मुश्किल हो चुका है साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाएँ दिया गया वहीं दोस्तों तीसरे फैन ने कमेंट किया वहीं ब्लॉकबस्टर बास्टर वाइब्स पहले ही आ चुकी है उन्होंने ये बताया सारी पौधा शनिवार की झलक से संगीत मिलती है कि फिल्म एक्शन से भरपूर होगी जो कि एक गुस्सैल युवा व्यक्ति फिल्म की कहानी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं टीजर में शानदार संगीत भी होने वाला है जो कि आपको नानी के लिए उत्साहित जो है करेगा और उनकी एंट्री अनोखी है फिल्म में और ये आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी आप जानते हैं कि उनकी एंट्री का नानी की एंट्री का स्वागत सीटीओ से होता है नानी के अलावा हमारे पास इस फिल्म में एज सूर्य है जो पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाई दे रहे हैं इस दमदार कास्ट के साथ आप मान सकते हैं कि फिल्म एक साथ एंटरटेन होने वाली है नानी एज सूर्य प्रियंका अरुलमोहन और फिर साई कुमार पी अभिनीत की गई यह सारी पौदा शनिवार को विवेक अथरैया ने लिखा है और निर्देशित किया है फिल्म का निर्माण दे भी दानिया सर ने किया हुआ है तो दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा तो दोस्तों अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सारी उदा शनिवार एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है साल 2024 के अंदर तो दोस्त अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं इसी के साथ दोस्तों अभिनेता नानी के बारे में हम बात कर ले तो नानी का जन्म चौबीस फरवरी 2024 को हुआ था एक हिंदू तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था वहीं इनकी करियर के बारे में हम बात कर ले तो स्नातक होने पर नानी को फिल्मों की लत लग गई थी जो कि उनका मानना था कि मणि रत्नम उन पर जो है बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं और वह निर्देशक जो है बनना चाहते थे पहले हालांकि निर्माता अनिल कुमार निर्माता अनिल कुमार के नेरू ने उन्हें अपने प्रोडक्शन जो है राधा गोपालम 2005 में निर्देशक जो है बाबू के साथ क्लैब जो है डायरेक्टर के रूप में इनको काम पर रखा था जो कि इसके बाद उन्होंने अल्लारी ब्लूटूथ फिल्म 2005 पर काम किया इसके अलावा अस्थ 2006 दो हज़ार छः पर और फिडोधी दो हज़ार सात जो फिल्मों के लिए काम किया नानी ने एक फिल्म की पदकथा पर काम करने के लिए एक विश्राम लिया था जो कि फिल्म के अंदर भार्गवी मल्लेला उनके एक दोस्त थी जो कि उस समय जो है वर्ल्ड स्पेस यानी से कि सेटेलाइट के लिए आरजे के रूप में काम कर रही थी उन्होंने नानी को आरजे के रूप में काम की काम की पेशकश की थी फिर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और एक साल तक वहां काम किया था वही दोस्तों बता दें निर्देशक मोहन कृष्णा उनके अलावा इंद्र क्रांति ने नानी को एक विज्ञापन में देखा और फिर उन्हें जो है वो पुरोक्त फिल्म जो अष्ट चम्मा में एक भूमिका की पेशकश कर दी जिसमें फिल्म के अंदर शुवा रेड्डी भी थी जो कि अष्ट चम्मा को आलोचकों ने खूब ज़्यादा सराहा और फिर नानी के प्रदर्शन की प्रशंसाएं की उन्होंने काफ़ी बेहतरीन इसमें अभिनय किया साथ ही सेफी डॉट कॉम ने लिखा था नानी की स्क्रीन पर उपस्थिति बहुत ही अच्छी है और उनमें अच्छी भावनाएं भी हैं और वह अच्छा नृत्य भी करते हैं हालाँकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी कभी जो है फिल्म के अंदर शुभ लेखा शुभ की याद दिला देती है और इसे उस सहजता के लिए प्रशंसा के रूप में माना जा सकता है बताया गया जो कि अनुभवी अभिनेता स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे थे उनकी लत भी अच्छी है जो कि उनकी दूसरी फिल्म जो है राइड का निर्माण भी है वही दोस्तों फिल्म कुंडा सुरेश ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था जिसमें तनिश जिसमें तनिष सवेता और फिर जो है बासु प्रसाद और फिर अक्ष की और दास ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी राइड भी बॉक्स ऑफिस पर एक उल्लेखनीय सफलता फिल्म थी जो कि दोस्तों बता दें कि भीमी ने कबड्डी जट्टू में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी जो कि फिल्म के अंदर यहाँ पे विनीला कबड्डी और फिरजो कु की रिमेक थी जिसमें दोस्तों बता दें कि सरनै मोहन ने नायिका के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया नानी के अभिनय की सराहना के साथ फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली इसके साथ ही दोस्तों रेडियो डॉट कॉम की तरफ से रिव्यू करते हुए कहा गया था नानी भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं और इस स्क्रिप्ट का चयन करने के लिए उनकी सराहना भी की गई और वन इंडिया ने टिप्पणी किया था कि नानी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आश्चर्यजनक हिट साबित हुई थी अब दोस्तों साल 2014 के बाद 2011 में उनकी पहली रिलीज मूवीज अल्लाह मोडलैंडी फिल्म थी जिसमें नंदिनी रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित की गई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी मूवी जो कि जहां पे दोस्तों की उन्हें जो है नित्य मिलन के साथ कास्ट किया गया था फिल्म में वही फिल्म में नानी के प्रदर्शन नानी के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी आलोचकों ने कहा था कि वह पूरी तरह से जो है स्वाभाविक थे और अपनी भूमिका को जी रहे थे फिल्म में वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी इसके साथ ही उन्होंने एक तमिल फिल्म जो है बेपम में भी काम किया जो तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी वहीं बेपम को मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दोस्तों नानी की सराहना हुई थी जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आलोचक ने उनके डेब्यू को आत्मविश्वास से भरा हुआ कहा जबकि सिफी ने उनके प्रदर्शन को दिलचस्प कहा था और इसे तेलुगु में जो है सेगा के रूप में ड्रॉफ किया गया था नानी की साल की आखिरी रिलीज मूवी जो है पिल्ला जमींदार फिल्म थी जिसे जो आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी और फिर दोस्तों यहाँ पे बिग डॉल बच्चे से नेता बने नानी की अभिनय की खूब ज्यादा सराहना हुई थी राधिका राजमरी ने कहा था कि ये पूरी तरह से नानी का शो है और वह भूमिका में खड़े उतरते हैं और फिर उन्हें जो अपेक्षित जो भावनाओं के बहु प्रदर्शकों को चित्रित करने में काफी ज्यादा सक्षम है इंडिया गेट ने लिखा था प्रदर्शन के लिहाज से नानी ने दूसरे भाग में आत्मा आत्मा निरक्षण काम किया है आत्मा सुधार मोर में एक युवा के रूप में एक पगवता दिया है। ये फिल्म पर ये किया गया नानी की, की पहली रिलीज मूवी जो है एस एस राजामौली की लाइव एक्शन प्रोजेक्ट यानी कि ईगा फिल्म थी तमिल में नानी ई के रूप में एक साथ शूट की गई फिल्मों में काम किए इसमें उनके साथ जो है समर्थन रूप थे और फिर जो है इसे ज्यादातर जो है सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली वही बता दें राजीव मंशद ने कहा था कि नानी उन कुछ यानी कि देशों में प्रेमी लड़कों के रूप में छा गए हैं जिनमें उन्हें देखा गया है जबकि अन्य आलोचकों ने भी कहा था कि वह सीमित स्क्रीन समय में एक छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इसे हिंदी में भी मखी और मलयालम में ईचा के रूप में ड्रॉप किया गया था उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज मूवी गौतम वासुदेव मिनन की यहाँ पे ये तो और फिर जो है बिल्ली जो है फिल्म थी जिसमें जो उन्होंने समानता रोत प्रभाव के साथ एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई थी द हिंदू से संगीता दंडू ने कहा था नानी ने परिपक्वता साथ इस अवसर को भुनाया है और वह अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाती है और इसी के साथ वरुण के विचारों को सबसे छोटे छोटे हाव भाव के माध्यम से व्यक्त किया गया है चर्मोत्कर्ष के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म का चरमो तक चर्मो यहाँ पे पूरी तरह से उनका ही है क्योंकि सी एन एन आई बी एन ने उन्हें जो है सर्वोत्कृष्ट रूप से जो है स्वाभाविक पाया हालांकि फिल्म को और फिर समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली है नानी और समानता के अभिनय के कारण बॉक्स ऑफिस पर इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिर नानी को अब तक का अपना पहला और एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी मिल चुका है इस तरह से 2014 में नानी को पहली बार कृष्णा वामचे की फिल्म जो है पैसा में देखा गया था और ये फिल्म पैसों की ताकत और फिर समाज में हर हाँ चीज़ पर उसके प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती हुई चीज़ों को फिल्म में दिखाया है दोस्तों नानी ने प्रकाश की भूमिका फिल्म में निभाई जो कि एक शर्वारी मॉडल है फिल्म में जिसे पैसा कमाने का जुनून है फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिलती है रिलीज़ होने पर फिर भी नानी के अभिनय को आलोचकों ने सराहा था हिंदू समीक्षक ने नोट किया था कि वह फिल्म को एक साथ रख सकते हैं और अपनी योग्यता को एक बार फिर जो है साबित करते हैं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अपादर फिल्म थी जो कि इसके बाद जो है उन्होंने राज से फिल्म्स की पहली जो है दक्षिण भारतीय जो है प्रोडक्शन आहा कल्याण में अभिनय किया दो हजार की हिंदी फिल्म जो है बैड बैंड बाजा बरात की तमिल रीमेक थी और फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली रिलीज होने पर साथ ही नानी ने पहली बार राजनीतिक थ्रिलर जो है जानदा पे कपी राजू में अमला पॉल के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई थी जिसे तमिल में फिल्म के अंदर जो है निमी रंधो नील के रूप में बनाया गया था जिसने जिसमें जो है नानी की भूमिका में जयम रवि थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आबादा फिल्म साबित हुई थी जो कि यहाँ पे युवत डे और फिर सुब्रहण्यम में एक जो है यहाँ पे आई 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 एम स्नातक को चित्रित किया था जिसे जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी इसी के साथ इस फिल्म के बारे में हेमंत कुमार ने इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक करार दिया और कहा नानी पूरी फिल्म में चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रतिभा के अपने अपने गार में गहराई से उतरते हैं उनकी अंतिम रिलीज जो है भले 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 जो है फिल्म के अंदर माग दिव्य थी नानी ने यहाँ पे लाइना त्रिपाठी के साथ एक के अनुपस्थिति दिमाग वाले जो है जूनियर और जो है वरिष्ठ पारस्त्री की भूमिका निभाई थी आपको बता दें बेंगलोर जो है मिरर के एन सेतु माधवन ने नानी को ताजा देखने लायक प्रतिभा कहा और त्रिपाठी के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसाएं की के तरफ से सुरेश जो है कभी रैनी ने कहा था नानी का पूरा शो चाहे वह हास्य हो या फिर जो है भावना भरा हो या फिर रोमांस वाला वालों नानी इसे आसानी से कर देते हैं उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर जो है टिक्स फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी सराहा था इस तरह से दोस्तों आपको बता दें भले भले यहाँ पे मुगा दिवे के बाद जो है नानी ने दो में अधिक आलोचनात्मक जो है, है की जो कि उनकी पहली रिलीज मूवी कृष्णा गारी बिरा प्रेम गांधी वाली फिल्म थी जिसमें जो है मेहरीन परिजादा ने अभिनय की थी इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी द हंस इंडिया ने कहा था निश्चिंत रूप से नानी का एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला जो कि अपनी ताकत के अनुसार खेलते हैं फिल्म में और स्क्रीन पर अपने चरित्र को एक स्वाभाविक जो है एहसास भी देते हैं दर्शकों में भारत में नानी की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी रिलीज होने पर जिसने भले भले मगे मग दी वे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अपनी अगली फिल्म में नानी ने जेंटलमैन में, में शुरी और फ्यज निवे थॉमस के निवेथा थॉमस के साथ अभिनय किया था ये व्यवसायी और फिर जो है आई ए एम इस नाटक की दोहरी भूमिका वाली फिल्म थी और ये जो है ईगा और भाले भाले जो है मगा दिवे के बाद उनकी तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इसने उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया जयो अच तांदन ने और फिर जो है रेजीना और फिर जो है कैंसेंद्रा को बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाने के बाद जो है नानी ने उस साल की अपनी आखिरी फिल्म जो है मजनू में अनु अनु इमेनुअल के साथ सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई और ये एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई थी बॉक्स ऑफिस पर इसी के साथ सुपरस्टार नानी ने 2017 में व्यवसायिक सफलता के साथ खुद को साबित किया जहाँ पे तिरनाथ राव और फिर जो है नक्की द्वारा निर्देशित की गई नेनू लोकल नानी की वार्स की सबसे पहली फिल्म थी यहाँ पे वह कीर्ति सुरेश के साथ दिखाई दिए थे वहीं पे दोस्तों आइडियल ब्रेन ने उनके पर, उनके प्रदर्शन की सराहना की और कहा था कि वह फिल्म को

दोहराव दाव पाया और बाद में उसी साल उन्होंने साई पल्लवी के साथ जो है मिडिल क्लास और फिर जो अबाए में इडेटिक जो है और फिर जो है मेमोरी वाले एक लड़की की भूमिका निभाई थी ये फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई जिसने जो है नैनू लोकल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी इस तरह से 2018 की अपनी पहली फिल्म में नानी ने अनुपमा परमेश्वरन और फिर जो है रुखसार जो है ढीलन के साथ कृष्णा अर्जुन के साथ युद्धम फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई थी लगातार आठ सफलताओं के बाद ये फिल्म बॉक्स छब्बीस असफल रही उनकी देवदास में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई जहां पे वह नाग अर्जुन और फिर जो आकांक्षा सिंह और उनके अलावा रश्मिका मंदरा के साथ दिखाई दिए फिल्म अपने बड़े बजट के कारण बॉक्स ऑफिस पर औसत रही वही द इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से कृष्णा श्रीबाद ने कहा नानी किरदार की तवज्जा में उतर जाते हैं और घटिया लेखन को सहने योग्य बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं साल 2019 में दोस्तों नानी की पहली रिलीज मूवी श्रद्धा श्रीनिवास के साथ जो है जर्सी फिल्म रिलीज हुई थी जहाँ पे उन्होंने एक पूर्व क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी जो कि अपने बेटे के लिए क्रिकेट को फिर से शुरू करता है ये फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता साबित हुई इसे उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है और इसे 2019 की सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म में से एक माना जाता है हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हरीशरण पुरिपेदी ने कहा नानी अर्जुन के रूप में बहुत ही बढ़िए थे और फिर वह कुछ समय से इस भूमिका में इतने सहज नहीं दिखे हैं इसी के साथ इंडिया टुडे की तरफ से जर्नी ने इस फिल्म के बारे में कहा था जर्सी के लिए नानी के भाव बिल्कुल जो है सही है और वह एक आक्रामक दाएँ हाथ के बल्लेबाज की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाते हैं जो किनानी की क्रिकेट टेक्निक और फिर जो है शेयर्स पर काफ़ी बेहतरीन आधारित फिल्म थी इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सिम्बा क्रिटिक्स अवार्ड भी जिताया था टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से सुहास और फिर जो है एला ने उन्हें जो है फिल्म का दिल और फिर आत्मा कहा और कहा था कि फिल्म को जीवन देना चाहिए था 2020 में नानी की एकमात्र रिलीज मूवी उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी जिसमें जो है उन्होंने अदिति राव हैदरी के साथ एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई थी ये फिल्म नानी की पहली जो है ओ टी प्लेटफॉर्म की तरफ से थी जो कि अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और ये उनका पहला नकारात्मक किरदार था और मिश्र समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई द न्यूज न्यूज़म की तरफ से सौम्या राजेंद्र ने कहा नानी जब भी जो है आगे बढ़ती तो निश्चिंत रूप से यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि वह जो है सहज रूप से मज़ेदार और अपने जो है डार ह्यूमर से अपने आस के लोगों को डराते हैं लेकिन असच्चाई सामने आने के बाद आप उनके कार्यों पर सवाल उठाएंगे आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सुपरस्टार नानी की फिल्म जिसका नाम है सरिपोदा सानी वारम। तो दोस्तों ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है आज की इस वीडियो में हमने इस मूवीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है तो दोस्तों उम्मीद कर तो आज का रिव्यू एक्सप्रेशन आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो बस इतना ही तुम्हें मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक है मोई फेक्ट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी पौधा शनिवार फिल्म के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी डॉ में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स चौबीस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है इसी के इस साथ दोस्तों जब ये फिल्म इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है इस मूवी की प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में इसके वजह से दोस्तों आप लोगों को ये आसानी से पता चल जाएगा की ये फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे पहले आपको कौन सा यूरोप चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओडिटी म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी रॉब में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज किस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक ही को नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सारी पुदा शनिवार के बारे में दोस्तों ये फिल्म तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक अथ्रिया सर ने लिखा है और निर्देशित किया है वहीं इस फिल्म का निर्माण के बारे में हम बात कर ले तो इसका निर्माण जो है दानिया सर ने एंटरटेनमेंट द्वारा किया है वहीं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में है साथ दोस्तों सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो एस जयसूर्या उनके अलावा आदित्य बालन साई कुमार और उनके अलावा सूफ लेखा सुधाकर भी इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आने वाले हैं अब बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 29 अगस्त 2024 को इंडिया में रिलीज किया जाएगा बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो इस मूवीज को बनाने में 90 करोड़ रुपया खर्च हुआ है वही दोस्तों इस फिल्म के बारे में सबसे पहले अक्टूबर दो में इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा स्थायी शीर्षक नानी इकतीस के तहत की गई थी क्योंकि ये मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की इकतीसवीं फिल्म है और इसी के साथ आधिकारिक शीर्षक की घोषणा भी कुछ दिनों बाद की गई थी जो कि मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म का संगीत जेक विजय ने तैयार किया है जबकि फिल्म का छायांकन मुरली जी ने किया है वही संपादन के बारे में हम बात कर ले तो संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने की है वही दोस्तों सरिपोधा शनिवार फिल्म उन्तीस अगस्त दो को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है अगर इस फिल्म के विकास और उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो मई 2023 के एंड में विवेक अथरेया और नानी को अंत्य सुधार निकी दो के बाद फिर से एक साथ आने की सूचना मिली थी यह नानी की प्रमुख भूमिका वाली इकतीसवीं फिल्म है जो कि 21 अक्टूबर को परियोजना की आधिकारिक घोषणा आधिकारिक तौर पर जो है डीबीबी एंटरटेनमेंट द्वारा घोषित की गई थी इसका अस्थायी शीर्षक नानी इकतीस रखा गया था शीर्षक जो है सारी पौधा शनिवार तेईस अक्टूबर को सामने आया और वही चौबीस अक्टूबर दो हजार तेईस को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था इसके साथ ही अक्टूबर दो हजार तेईस में प्रियंका मोहन और फिर एस जे सूर्या कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म के हीरो नानी के गैंग लीडर फिल्म 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करने वाली प्रियंका मोहन और फिर एच जे सूर्या ने भी कलाकारों में शामिल हो गए वही दोस्तों जीवी प्रकाश कुमार और फिर अनिरुद्ध रविचंद्र को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था लेकिन बाद में जेक बिजो मुरली जी और फिर जो है कार्तिका श्रीनिवास को कर्मश संगीतकार क्षयाकार और संपादक के रूप में घोषित किया गया है अब इसी के साथ इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और पहला शेड्यूल उसी महीने के एंड में पूरा किया गया दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत तक शुरू हुआ था वहीं इस फिल्म संगीत के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैकुज द्वारा नानी और अथरैया के साथ उनके पहले सहयोग में तैयार किया गया था ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे जबकि पहला एकल गरम गरम 25 जून दो हजार जून 2024 को रिलीज किया गया था और फाइनली इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो सरिपुदा शनिवार उन्तीस अगस्त दो को तेलगु में रिलीज होने वाली है साथ ही इसके दोस्तों तमिल मलयालम और कन्नड में इसके डॉप संस्करणिक संस्करणों के साथ इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा इसके साथ इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार के बारे में हम बात कर ले तो नेटफ्लिक्स को बेच दिया गया है जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आपको वर्तमान में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा ये फिल्म इसी के साथ दोस्तों तेलुगु अभिनेता नानी ने कल अपना जन्मदिन मनाया अभिनेता के एक साल बड़े होने पर उनकी आगामी फिल्म के माताओं ने उनकी आगामी फिल्म की एक झलक साझा करके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है सारिपौदा शनिवार शीर्षक वाली फिल्म की झलक दर्शकों को फिल्म में दिखाए जाने के दिखाए जाने वाले एक्शन सीन की झलक जो है बाहर की गई सारीपोदा शनिवार दोस्तों ग्यारह पच्चीस मिनट की झलक जो है एक वायस ओवर से शुरू होती है जो कि क्रोध और गुस्से के बारे में बात किया जाता है वह सुबह से पता चलता है कि क्रोध के कई रूप होते हैं और हर जो है व्यक्ति का क्रोध अनोखा होता है ये लाइन फिल्म का टोन सेट करती है और ये दर्शकों के लिए फिल्म में क्या है इसका थोड़ा सा यहाँ पे संकेत दिया गया है जैसे जैसे फिल्म का ट्रेलर आगे बढ़ता है नानी नायक के रूप में वो कर सामने आते हैं और वह यात्री सीट पर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जो है रिक्शा चलाते हुए दिखाई देते हैं वही दोस्तों आगे के बारे में हम बात कर ले तो रिलीज के बाद से ही टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया है फैंस ने फिल्म को पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है टीजर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फैन ने कहा एस जे सूर्या ऑन फायर आपकी एक्टिंग का आपकी एक्टिंग का डाई हार्ड फैन हूँ मैं वहीं दूसरे फैन ने लिखा है कि एस जे सूर्या को पहचान पहचान पाना मुश्किल हो चुका है साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाएँ दिया गया वहीं दोस्तों तीसरे फैन ने कमेंट किया वहीं ब्लॉकबस्टर बास्टर वाइब्स पहले ही आ चुकी है उन्होंने ये बताया सारी पौधा शनिवार की झलक से संगीत मिलती है कि फिल्म एक्शन से भरपूर होगी जो कि एक बुशैली युवा व्यक्ति फिल्म की कहानी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं टीजर में शानदार संगीत भी होने वाला है जो कि आपको नानी के लिए उत्साहित जो है करेगा और उनकी एंट्री अनोखी है फिल्म में और ये आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी आप जानते हैं कि उनकी एंट्री का नानी की एंट्री का स्वागत से होता है नानी के अलावा हमारे पास इस फिल्म में है जो पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाई दे रहे हैं इस दमदार कास्ट के साथ आप मान सकते हैं कि फिल्म एक साथ एंटरटेन होने वाली है नानी एसडे सूर्या प्रियंका अरुल मोहन और फिर साई कुमार पी अभिनीत की गई ये सारी पोता शनिवार को विवेक अथरैया ने लिखा है और निर्देशित किया है फिल्म का निर्माण दे भी दानिया सर ने किया हुआ है तो दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा तो दोस्तों अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा शनि उदा शनिवार एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है साल 2024 के अंदर तो दोस्त अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं इसी के साथ दोस्तों अभिनेता नानी के बारे में हम बात कर ले तो नानी का जन्म 24 फरवरी 2024 को हुआ था एक हिंदू तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था वहीं इनकी करियर के बारे में हम बात कर ले तो इस नाटक होने पर नानी को फिल्मों की लत लग गई थी जो कि उनका मानना था कि मणि रत्नम उन पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और वह निर्देशक जो है बनना चाहते थे पहले हालांकि निर्माता अनिल कुमार निर्माता अनिल कुमार के नेू ने उन्हें अपने प्रोडक्शंस जो है राधा गोपालम 2005 में निर्देशक जो है बाबू के साथ क्लैब जो है डायरेक्टर के रूप में इनको काम पर रखा था जो कि इसके बाद उन्होंने अल्लारी ब्लूटूथ फिल्म 2005 पर काम किया इसके अलावा अस्तलम 2006 पर और फिरधी दो हज़ार सात सहित जो फिल्मों के लिए काम किया नारी ने एक फिल्म की पतकथा पर काम करने के लिए एक विश्राम लिया था जो कि फिल्म के अंदर भार्गवी मल्लेला उनके एक दोस्त थी जो कि उस समय जो है वर्ल्ड स्पेस यानी से कि सेटेलाइट के लिए आरजे के रूप में काम कर रही थी उन्होंने नानी को आरजे के रूप में काम की काम की पेशकश की थी फिर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और एक साल तक वहां काम किया था वही दोस्तों बता दें निर्देशक मोहन कृष्णा उनके अलावा इंद्र क्रांति ने नानी को एक विज्ञापन में देखा और फिर उन्हें जो है उपरोक्त फिल्म जो अष्ट चम्मा में एक भूमिका की पेशकश कर दी जिसमें फिल्म के अंदर सुवाति रेड्डी भी थी जो कि अष्ट चम्मा को आलोचकों ने खूब ज़्यादा सराहा और फिर नानी के प्रदर्शन की प्रशंसाएँ की उन्होंने काफ़ी बेहतरीन इसमें अभिनय किया साथ ही सेफी डॉट कॉम ने लिखा था नानी की स्क्रीन पर उपस्थिति बहुत ही अच्छी है और उनमें अच्छी भावनाएं भी हैं और वह अच्छा नृत्य भी करते हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी कभी जो है फिल्म के अंदर शुभ लेखा शुभ की याद दिला देती है और इसे उसे सहजता के लिए प्रशंसा के रूप में माना जा सकता है बताया गया जो कि अनुभवी अभिनेता स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे थे उनकी लत भी अच्छी है जो कि उनकी दूसरी फिल्म जो है राइड का निर्माण भी है वहीं दोस्तों विलम कुंडा सुरेश ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था जिसमें तनिस जिसमें तनिस सिवेता और फिर जो है बासु प्रसाद और फिर अक्ष यानी कि और दासनी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी राइडी बॉक्स ऑफिस पर एक उल्लेखनीय सफलता फिल्म थी जो कि दोस्तों बता दें कि भी मिली कबड्डी जट्टू में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी जो कि फिल्म के अंदर यहाँ पे विनीला कबड्डी और शुरबे कुजी की रिमेक थी जिसमें दोस्तों बता दें कि सरनै मोहन ने नायिका के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया नानी के अभिनय की सराहना के साथ फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली इसके साथ ही दोस्तों रेडियो डॉट कॉम की तरफ से रिव्यू करते हुए कहा गया था नानी भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं और इस स्क्रिप्ट का चयन करने के लिए उनकी सराहना भी की गई और वन इंडिया ने टिप्पणी किया था कि नानी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आश्चर्यजनक हिट साबित हुई थी अब दोस्तों साल दो के बाद दो में उनकी पहली रिलीज मूवीज अल्लाह मोडलैंडी फिल्म थी जिसमें नंदिनी रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित की गई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी मूवी जो कि जहाँ पे दोस्तों बता की उन्हें जो है नित्य हिमन के साथ कास्ट किया गया था फिल्म में वही फिल्म में नानी के नानी के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी आलोचकों ने कहा था कि वह पूरी तरह से जो है स्वाभाविक थे और अपनी भूमिका को जी रहे थे फिल्म में वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही थी इसके साथ ही उन्होंने एक तमिल फिल्म जो है बेपम में भी काम किया जो तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी वहीं बेपम को मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दोस्तों नानी की सराहना हुई थी जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आलोचक ने उनके डेब्यू को आत्मविश्वास से भरा हुआ कहा जबकि सिफी ने उनके प्रदर्शन को दिलचस्प कहा था और इसे तेलुगु में जो है सेगा के रूप में ड्रॉफ किया गया था नानी की साल की आखिरी रिलीज मूवी जो है पिल्ला जमींदार फिल्म थी जिसे जो आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी और फिर दोस्तों यहाँ पे बिग ड बच्चे से नेता बने नानी की अभिनय की खूब ज़्यादा सराहना हुई थी राधिका राजमरी ने कहा था कि ये पूरी तरह से नानी का शो है और वह भूमिका में खड़े उतरते हैं और फिर उन्हें जो अपेक्षित जो भावनाओं के बहु प्रदर्शकों को चित्रित करने में काफी ज्यादा सक्षम है इंडिया गलेट ने लिखा था प्रदर्शन के लिहाज से नानी ने दूसरे भाग में आत्मा आत्मनिरक्षण आत्मनिरीक्षण काम किया है आत्मा सुधार मोर में एक युवा के रूप में एक

वही बता दें राजीव मंशर ने कहा था कि नानी उन कुछ यानी कि देशों में प्रेमी लड़कों के रूप में छा गए हैं जिनमें उन्हें देखा गया है जबकि अन्य आलोचकों ने भी कहा था कि वह सीमित स्क्रीन समय में एक छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक फिल्म थी और इसे हिंदी में भी मखी और मलयालम में ईचा के रूप में ड्रॉप किया गया था उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज मूवी गौतम वासुदेव मिनन की यहाँ पे ये तो और फिर जो है बिल्ली जो है मनासु फिल्म थी जिसमें जो उन्होंने समानता रोत प्रभाव के साथ एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई थी द हिंदू से संगीता दंडू ने कहा था नानी ने परिपक्वता साथ इस अवसर को भुनाया है और वह अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाती है और इसी के साथ वरुण के विचारों को सबसे छोटे छोटे हाव भाव के माध्यम से व्यक्तित किया गया है चर्मोत्कर्ष के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म का चरमो तक चर्मो यहाँ पे पूरी तरह से उनका ही है क्योंकि सी एन एन आई बी एन ने उन्हें जो है सर्वोत्कृष्ट रूप से जो है स्वाभाविक पाया हालांकि फिल्म को और फिर समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली है नानी और समानता के अभिनय के कारण बॉक्स ऑफिस पर इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिर नानी को अब तक का अपना पहला और एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी मिल चुका है इस तरह से 2014 में नानी को पहली बार कृष्णा वामचे की फिल्म जो है पैसा में देखा गया था और ये फिल्म पैसों की ताकत और फिर समाज में हर हाँ चीज़ पर उसके प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती हुई चीज़ों को फिल्म में दिखाया है दोस्तों नानी ने प्रकाश की भूमिका फिल्म में निभाई जो कि एक शर्वारी मॉडल है फिल्म में जिसे पैसा कमाने का जुनून है फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिलती है रिलीज़ होने पर फिर भी नानी के अभिनय को आलोचकों ने सराहा था हिंदू समीक्षक ने नोट किया था कि वह फिल्म को एक साथ रख सकते हैं और अपनी योग्यता को एक बार फिर जो है साबित करते हैं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अपादा फिल्म थी जो कि इसके बाद जो है उन्होंने यशराज से फिल्म्स की पहली जो है दक्षिण भारतीय जो है प्रोडक्शन आहा कल्याण में अभिनय किया दो हजार की हिंदी फिल्म जो है बैड बैंड बाजा बरात की तमिल रीमेक थी और फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली रिलीज होने पर साथ ही नानी ने पहली बार राजनीतिक थ्रिलर जो है जानदा पे कपी राजू में अमला पॉल के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई थी जिसे तमिल में फिल्म के अंदर जो है निमी रंधो नील के रूप में बनाया गया था जिसने जिसमें जो है नानी की भूमिका में जयम रवि थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आबादा फिल्म साबित हुई थी जो कि यहाँ पे युवत और फिर सुब्रहण्यम में एक जो है यहाँ पे आई 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 एम स्नातक को चित्रित किया था जिसे जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी इसी के साथ इस फिल्म के बारे में हेमंत कुमार ने इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक करार दिया और कहा नानी पूरी फिल्म में चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रतिभा के अपने अपने गार में गहराई से उतरते हैं उनकी अंतिम रिलीज जो है भले 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 जो है फिल्म के अंदर माग दिव्य थी नानी ने यहाँ पे लाइना त्रिपाठी के साथ एक के अनुपस्थिति दिमाग वाले जो है जूनियर और जो है वरिष्ठ पारस्त्री की भूमिका निभाई थी आपको बता दें बेंगलोर जो है मिरर के एन सेतु माधवन ने नानी को ताजा देखने लायक प्रतिभा कहा और त्रिपाठी के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसाएं की डेकन क्रीनिकल के तरफ से सुरेश जो है कवि रैनी ने कहा था नानी का पूरा शो चाहे वह हास्य हो या फिर जो है भावना भरा हो या फिर रोमांस वाला वालों नानी इसे आसानी से कर देते हैं उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर जो है टिक्स फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी सराहा था इस तरह से दोस्तों आपको बता दें भले भले यहाँ पे मुगा दिवे के बाद जो है नानी ने दो में अधिक आलोचनात्मक जो है प्रशंसा अर्जित की जो कि उनकी पहली रिलीज मूवी कृष्णा गारी बीरा प्रेम गांधी वाली फिल्म थी जिसमें जो है मेहरीन परिजादा ने अभिनय की थी इस फिल्म को लोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी हंस इंडिया ने कहा था निश्चिंत रूप से नानी का एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है जो कि अपनी ताकत के अनुसार खेलते हैं फिल्म में और इस स्क्रीन पर अपने चरित्र को एक स्वाभाविक जो है एह एहसास भी देते हैं दर्शकों में भारत में नानी की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी रिलीज होने पर जिसने भले भले मग दिवे मग दी वे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अपनी अगली फिल्म में नारी ने जेंटलमैन में, में शुरी और फ्यजे निवेथा थोमस के निवेथा थोमस के साथ अभिनय किया था ये व्यवसायी और फिर जो है आई ए एम इस नाटक की दोहरी भूमिका वाली फिल्म थी और ये जो है ईगा और भाले भाले जो है मगा दिवे के बाद उनकी तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इसने उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया जयो अच तांदन ने और फिर जो है रेजीना और फिर जो है को बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाने के बाद जो है नानी ने उस साल की अपनी आखिरी फिल्म जो है मजनू में अनु अनु इमेनुअल के साथ सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई और ये एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई थी बॉक्स ऑफिस पर इसी के साथ सुपरस्टार नानी ने 2017 में व्यावसायिक सफलता के साथ खुद को साबित किया जहां पे तिरनाथ राव और फिर जो है नक्कीना द्वारा निर्देशित की गई नैनो लोकल नानी की वर्स की सबसे पहली फिल्म थी यहाँ पे वो कीर्ति सुरेश के साथ दिखाई दिए थे वहीं पे दोस्तों आइडियल ब्रेन ने उनके प पर, उनके प्रदर्शन की सराहना की और कहा था कि वह फिल्म को अकेले दम पर आगे बढ़ाते हैं ये फिल्म नानी की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई यहाँ पे नीनू कोरी में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी जिसमें दोस्तों ने थॉमस के साथ फिर से काम किया वही हालांकि इस फर्स्ट पोस्ट के तरफ से एक आलोचक ने कहा था नानी बहुत ही बढ़िया फिल्म में हालांकि उनका एक मजाकिया पक्ष भी है फिल्म में लेकिन पूरी फिल्म में उन्होंने काफ़ी भावनात्मक भरा काम किया है द इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से प्रियंका सुंदर ने उन्हें दोहराव दाव पाया और बाद में उसी साल उन्होंने साई पल्लवी के साथ जो है मिडिल क्लास और फिर जो अबाय में इडेटिक जो है और फिर जो है मेमोरी वाले एक लड़की की भूमिका निभाई थी ये फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई जिसने जो है नैनू लोकल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी इस तरह से 2018 की अपनी पहली फिल्म में नानी ने अनुपमा परमेश्वरन और फिर जो है जो है ढीलन के साथ कृष्णा अर्जुन के साथ युद्धम फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई थी लगातार आठ सफलताओं के बाद ये फिल्म बॉक्स पर असफल रही उनकी देवदास में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई जहां पे वह नाग अर्जुन और फिर जो आकांक्षा सिंह और उनके अलावा रश्मिका मनंदरा के साथ दिखाई दिए फिल्म अपने बड़े बजट के कारण बॉक्स ऑफिस पर औसत रही वही द इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से कृष्णा श्रीबाद ने कहा नानी किरदार की तवज्जा में उतर जाते हैं और घाटिया लेखन को सहने योग्य बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं साल 2019 में दोस्तों नानी की पहली रिलीज मूवी श्रद्धा श्रीनिवास के साथ जो है जर्सी फिल्म रिलीज हुई थी जहाँ पे उन्होंने एक पूर्व क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी जो कि अपने बेटे के लिए क्रिकेट को फिर से शुरू करता है ये फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता साबित हुई इसे उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है और इसे 2019 की सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म में से एक माना जाता है हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हरीशरण पुर द्विपेदी ने कहा नानी अर्जुन के रूप में बहुत ही बढ़िए थे और फिर वह कुछ समय से इस भूमिका में इतने सहज नहीं दिखे हैं इसी के साथ इंडिया टुडे की तरफ से जर्नी ने इस फिल्म के बारे में कहा था जर्सी के लिए नानी के भाव बिल्कुल जो है सही है और वह एक आक्रामक दाएँ हाथ के बल्लेबाज की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाते हैं जो किनानी की क्रिकेट टेक्निक और फिर जो है शेयर्स पर काफ़ी बेहतरीन आधारित फिल्म थी इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सिम्बा क्रिटिक्स अवार्ड भी जिताया था टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से सुहास और फिर जो है एला ने उन्हें जो है फिल्म का दिल और फिर आत्मा कहा और कहा था कि फिल्म को जीवन देना चाहिए था 2020 में नानी की एकमात्र रिलीज मूवी उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी जिसमें जो है उन्होंने अदिति राव हैदरी के साथ एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई थी ये फिल्म नानी की पहली जो है ओ टी प्लेटफॉर्म की तरफ से थी जो कि अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और ये उनका पहला नकारात्मक किरदार था और मिश्र समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई द न्यूज न्यूज़म की तरफ से सौम्या राजेंद्र ने कहा नानी जब भी जो है आगे बढ़ती तो निश्चिंत रूप से यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि वह जो है सहज रूप से मज़ेदार और अपने जो है डार ह्यूमर से अपने आस पास के लोगों को डराते हैं लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद आप उनके कार्यों पर सवाल उठाएंगे आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सुपरस्टार नानी की फिल्म नाम है सरिपुदा सानीवार तो दोस्तों ये फिल्म दो जार जार में रिलीज होने वाली है आज के इस वीडियो में हमने इस मूवीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है तो दोस्तों उम्मीद कर तो आज का रिव्यू एक्सप्रेशन आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो में इतना ही दुआई मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक एम फेक्ट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी पौधा शनिवार फिल्म के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी डब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स चौबीस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है इसी के साथ दोस्तों जब ये फिल्म इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में इसके वजह से दोस्तों आप लोगों को ये आसानी से पता चल जाएगा कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे पहले आपको कौन सा यूरोप चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डॉब में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज किस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक ही मोई को नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सारी पुता शनिवार के बारे में दोस्तों ये फिल्म तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक अथ्रिया सर ने लिखा है और निर्देशित किया है वहीं इस फिल्म का निर्माण के बारे में हम बात कर ले तो इसका निर्माण जो है देवी सर ने एंटरटेनमेंट द्वारा किया है वहीं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में है इसी दोस्तों सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो एस जयसूर्या उनके अलावा आदित्य बालन साई कुमार और उनके अलावा सूफ लेकर सुधाकर भी इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आने वाले हैं अब बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 29 अगस्त 2024 को इंडिया में रिलीज किया जाएगा बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो इस मूवीज को बनाने में 90 करोड़ रुपया खर्च हुआ है वही दोस्तों इस फिल्म के बारे में सबसे पहले अक्टूबर दो में इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा स्थायी शीर्षक नानी इकतीस के तहत की गई थी क्योंकि ये मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की इकतीसवीं फिल्म है और इसी के साथ आधिकारिक शीर्षक की घोषणा भी कुछ दिनों बाद की गई थी जो कि मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया है वही दोस्तों इस फिल्म का संगीत जेक विजय ने तैयार किया है जबकि फिल्म का छायांकन मुरली जी ने किया है वहीं संपादन के बारे में हम बात कर ले तो संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने की है वही दोस्तों सरिपोधा शनिवार फिल्म 29 अगस्त 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है अगर इस फिल्म की विकास और उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो मई 2023 के एंड में विवेक अथरेया और नानी को अंत्य सुधार निकी 2022 के बाद फिर से एक साथ आने की सूचना मिली थी यह नानी की प्रमुख भूमिका वाली इकतीसवीं फिल्म है जो कि 21 अक्टूबर को परियोजना की आधिकारिक घोषणा आधिकारिक तौर पर जो है एंटरटेनमेंट द्वारा घोषित की गई थी इसका अस्थायी शीर्षक नानी इकतीस रखा गया था शीर्षक जो है सारी पौधा शनिवार तेईस अक्टूबर को सामने आया और वही चौबीस अक्टूबर दो को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था इसके साथ ही अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और फिर एस जे सूर्या कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म के हीरो नानी के गैंग लीडर फिल्म 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करने वाली प्रियंका मोहन और फिर एस जे सूर्या ने भी कलाकारों में शामिल हो गए वही दोस्तों जीवी प्रकाश कुमार और फिर अनिरुद्ध रविचंद्र को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था लेकिन बाद में जेक बिजो इंकला मुरली जी और फिर जो है कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार और संपादक के रूप में घोषित किया गया है अब इसी के साथ इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और पहला शेड्यूल उसी महीने के एंड में पूरा किया गया दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत तक शुरू हुआ था वहीं इस फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बुजाए द्वारा नानी और अथरैया के साथ उनके पहले सहयोग में तैयार किया गया था ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे जबकि पहला एकल गरम गरम 25 जून 2015 जून 2024 को रिलीज किया गया था और फाइनली इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो सरिका शनिवार 29 अगस्त 2024 को तेलुगु में रिलीज होने वाली है साथ ही इसके दोस्तों तमिल मलयालम और कन्नड में इसके ड्रॉपर्ण संस्करणों के साथ इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा इसके साथ इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार के बारे में हम बात कर ले तो नेटफ्लिक्स को बेच दिया गया है जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आपको वर्तमान में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा ये फिल्म इसी के साथ दोस्तों तेलुगु अभिनेता नानी ने कल अपना जन्मदिन मनाया अभिनेता के एक साल बड़े होने पर उनकी आगामी फिल्म के अंदर माताओं ने उनकी आगामी फिल्म की एक झलक साझा करके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है शारीपदा शनिवार शीर्षक वाली फिल्म की झलक दर्शकों को फिल्म में दिखाए जाने के दिखाए जाने वाले एक्शन सीन की झलक जो है बाहर की गई शारीपोदा शनिवार दोस्तों ग्यारह पच्चीस मिनट की झलक जो है एक वयस ओवर से शुरू होती है जो कि क्रोध और गुस्से के बारे में बात किया जाता है वयस ओवर से पता चलता है कि क्रोध के कई रूप होते हैं और हर है जो है व्यक्ति का क्रोध अनोखा होता है ये लाइन फिल्म का टोन सेट करती है और ये दर्शकों के लिए फिल्म में क्या है इसका थोड़ा सा यहाँ पे संकेत दिया गया है जैसे जैसे फिल्म का ट्रेलर आगे बढ़ता है नानी नायक के रूप में उभर कर सामने आते हैं और वह यात्री सीट पर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जो है रिक्शा चलाते हुए दिखाई देते हैं वही दोस्तों आगे के बारे में हम बात कर तो रिलीज के बाद से ही टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया है फैंस ने फिल्म को पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है टीजर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फैन ने कहा एस जे सूर्या ऑन फायर आपकी एक्टिंग का आपकी एक्टिंग का डाई हार्ट फैन हूँ मैं वहीं दूसरे फैन ने लिखा है कि एस जे सूर्या को पहचान पहचान पाना मुश्किल हो चुका है साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाएँ दिया गया वहीं दोस्तों तीसरे फैन ने कमेंट किया वहीं ब्लॉकबस्टर बास्टर वाइब्स पहले ही आ चुकी है उन्होंने ये बताया सारी पौधा शनिवार की झलक से संगीत मिलती है कि फिल्म एक्शन से भरपूर होगी जो कि एक युवा व्यक्ति फिल्म की कहानी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं टीजर में शानदार संगीत भी होने वाला है जो कि आपको नानी के लिए उत्साहित जो है करेगा और उनकी एंट्री अनोखी है फिल्म में और ये आपको मुझ कुराने पर कर आप जानते हैं कि उनकी एंट्री का नानी की एंट्री का स्वागत नानी के पास इस फिल्म में एस डे सूर्या जो पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाई दे रहे हैं। इस दमदार कास्ट के साथ आप मान सकते हैं कि फिल्म एक साथ एंटरटेन होने वाली है नानी एसडे सूर्या प्रियंका अरुल मोहन और फिर शाई कुमार पी अभिनीत की गयी ये सारे पोता शनिवार को विवेक अथरैया ने लिखा है और निर्देशित किया है फिल्म का निर्माण दे बी सर ने किया हुआ है तो दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा तो दोस्तों अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सारी खुदा शनिवार एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है साल 2024 के अंदर तो दोस्त अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं इसी के साथ दोस्तों अभिनेता नानी के बारे में हम बात कर ले तो नानी का जन्म 24 फरवरी 2024 को हुआ था एक हिंदू तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था वहीं इनकी करियर के बारे में हम बात कर ले तो इस स्नातक होने पर नानी को फिल्मों की लत लग गई थी जो कि उनका मानना था कि मणि रत्नम उन पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और वह निर्देशक जो है बनना चाहते थे पहले हालांकि निर्माता अनिल कुमार निर्माता अनिल कुमार के नेू ने उन्हें अपने प्रोडक्शंस जो है राधा गोपालम 2005 में निर्देशक जो है बाबू के साथ क्लैब जो है डायरेक्टर के रूप में इनको काम पर रखा था जो कि इसके बाद उन्होंने अल्लारी ब्लूटू फिल्म 2005 पर काम किया इसके अलावा अस्तलम 2006 पर और फिर दो हज़ार सात से ही जो फिल्मों के लिए काम किया नारी ने एक फिल्म की पतकथा पर काम करने के लिए एक विश्राम लिया था जो कि फिल्म के अंदर भार्गवी मल्लेला उनके एक दोस्त थी जो कि उस समय जो है वर्ल्ड स्पेस यानी से कि सेटेलाइट के लिए आर के रूप में काम कर रही थी उन्होंने नानी को आर के रूप में काम की काम की पेशकश की थी फिर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और एक साल तक वहां काम किया था वही दोस्तों बता दें निर्देशक मोहन कृष्णा उनके अलावा इंद्र क्रांति ने नानी को एक विज्ञापन में देखा और फिर उन्हें जो है उपरोक्त फिल्म जो अष्ट चम्मा में एक भूमिका की पेशकश कर दी जिसमें फिल्म के अंदर सुवाति रेड्डी भी थी जो कि अष्ट चम्मा को आलोचकों ने खूब ज़्यादा सराहा और फिर नानी के प्रदर्शन की प्रशंसाएँ की उन्होंने काफ़ी बेहतरीन इसमें अभिनय किया साथ ही सेफी डॉट कॉम ने लिखा था नानी की स्क्रीन पर उपस्थिति बहुत ही अच्छी है और उनमें अच्छी भावनाएं भी हैं और वह अच्छा नृत्य भी करते हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी कभी जो है फिल्म के अंदर शुभ लेखा शुभ की याद दिला देती है और इसे उसे सहजता के लिए प्रशंसा के रूप में माना जा सकता है बताया गया जो कि अनुभवी अभिनेता स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे थे उनकी लत भी अच्छी है जो कि उनकी दूसरी फिल्म जो है राइड का निर्माण भी है वहीं दोस्तों फिल्म कुंडा सुरेश ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था जिसमें तनिस जिसमें तनिस सिवेता और फिर जो है बासु प्रसाद और फिर अक्ष यानी और दासनी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी राइडी बॉक्स ऑफिस पर एक उल्लेखनीय सफलताएँ फिल्म थी जो कि दोस्तों बता दें कि भीमिली कबड्डी जट्टू में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी जो कि फिल्म के अंदर यहाँ पे विनीला कबड्डी और सूर्य कुज्जी की रिमेक थी जिसमें दोस्तों बता दें कि सरनै मोहन ने नायिका के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया नानी के अभिनय की सराहना के साथ फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली इसके साथ ही दोस्तों रेडियो डॉट कॉम की तरफ से रिव्यू करते हुए कहा गया था नानी भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं और इस स्क्रिप्ट का चयन करने के लिए उनकी सराहना भी की गई और वन इंडिया ने टिप्पणी किया था कि नानी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आश्चर्यजनक हिट साबित हुई थी अब दोस्तों साल दो के बाद दो में उनकी पहली रिलीज मोबिज अल्लाह मोडलैंडी फिल्म थी जिसमें नंदिनी रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित की गई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी मूवी जो कि जहाँ पे दोस्तों बताते की उन्हें जो है नित्य हिमन के साथ कास्ट किया गया था फिल्म में वही फिल्म में नानी के नानी के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी आलोचकों ने कहा था कि वह पूरी तरह से जो है स्वाभाविक थे और अपनी भूमिका को जी रहे थे फिल्म में वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक रही थी इसके साथ ही उन्होंने एक तमिल फिल्म जो है बेपम में भी काम किया जो तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी वहीं बेपम को मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दोस्तों नानी की सराहना हुई थी जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आलोचक ने उनके डेब्यू को आत्मविश्वास से भरा हुआ कहा जबकि सिफी ने उनके प्रदर्शन को दिलचस्प कहा था और इसे तेलुगु में जो है सेगा के रूप में ड्रॉफ किया गया था नानी की साल की आखिरी रिलीज मूवी जो है पिल्ला जमींदार फिल्म थी जिसे जो आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी और फिर दोस्तों यहाँ पे बिग डॉल बच्चे से नेता बने नानी की अभिनय की खूब ज़्यादा सराहना हुई थी राधिका राजमरी ने कहा था कि ये पूरी तरह से नानी का शो है और वह भूमिका में खड़े उतरते हैं और फिर उन्हें जो अपेक्षित जो भावनाओं के बहु प्रदर्शकों को चित्रित करने में काफी ज्यादा सक्षम है इंडिया गलेट ने लिखा था प्रदर्शन के लिहाज से नानी ने दूसरे भाग में आत्मा आत्मनिरक्षण आत्मनिरीक्षण काम किया है आत्मा सुधार मोर में एक युवा के रूप में एक

वही बता दें राजीव मंशर ने कहा था कि नानी उन कुछ यानी कि देशों में प्रेमी लड़कों के रूप में छा गए हैं जिनमें उन्हें देखा गया है जबकि अन्य आलोचकों ने भी कहा था कि वह सीमित स्क्रीन समय में एक छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक फिल्म थी और इसे हिंदी में भी मखी और मलयालम में ईचा के रूप में ड्रॉप किया गया था उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज मूवी गौतम वासुदेव मिनन की यहाँ पे ये तो और फिर जो है बिल्ली जो है मनाशु फिल्म थी जिसमें जो उन्होंने समानता रोत प्रभु के साथ एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई थी द हिंदू से संगीता दंडू ने कहा था नारी ने परिपक्वता के साथ इस अवसर को भुनाया है और वह अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाती है और इसी के साथ वरुण के विचारों को सबसे छोटे छोटे हाव भाव के माध्यम से व्यक्तित किया गया है चर्मोत्कर्ष के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म का चरमो तकर्ष चर्मो यहाँ पे पूरी तरह से उनका ही है क्योंकि सी एन एन आई बी एन ने उन्हें जो है सर्वोत्कृष्ट रूप से जो है स्वाभाविक पाया हालांकि फिल्म को और फिर समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली है नानी और समानता के अभिनय के कारण बॉक्स ऑफिस पर इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिर नानी को अब तक का अपना पहला और एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी मिल चुका है इस तरह से 2014 में नानी को पहली बार कृष्णा वामचे की फिल्म जो है पैसा में देखा गया था और ये फिल्म पैसों की ताकत और फिर समाज में हर चीज़ पर उसके प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती हुई चीज़ों को फिल्म में दिखाया है दोस्तों नानी ने प्रकाश की भूमिका फिल्म में निभाई जो कि एक शर्वारी मॉडल है फिल्म में जिसे पैसा कमाने का जुनून है फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिलती है रिलीज़ होने पर फिर भी नानी के अभिनय को आलोचकों ने सराहा था हिंदू समीक्षक ने नोट किया था कि वह फिल्म को एक साथ रख सकते हैं और अपनी योग्यता को एक बार फिर जो है साबित करते हैं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अपादा फिल्म थी जो कि इसके बाद जो है उन्होंने यशराज से फिल्म्स की पहली जो है दक्षिण भारतीय जो है प्रोडक्शन आहा कल्याण में अभिनय किया दो हजार की हिंदी फिल्म जो है बैड बैंड बाजा बरात की तमिल रीमेक थी और फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली रिलीज होने पर साथ ही नानी ने पहली बार राजनीतिक थ्रिलर जो है जानदा पे कपी राजू में अमला पॉल के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई थी जिसे तमिल में फिल्म के अंदर जो है निमी रंधो नील के रूप में बनाया गया था जिसने जिसमें जो है नानी की भूमिका में जयम रवि थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आबादा फिल्म साबित हुई थी जो कि यहाँ पे युवत और फिर सुब्रहण्यम में एक जो है यहाँ पे आई 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 एम स्नातक को चित्रित किया था जिसे जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी इसी के साथ इस फिल्म के बारे में हेमंत कुमार ने इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक करार दिया और कहा नानी पूरी फिल्म में चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रतिभा के अपने अपने गार में गहराई से उतरते हैं उनकी अंतिम रिलीज जो है भले 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 जो है फिल्म के अंदर माग दिव्य थी नानी ने यहाँ पे लना त्रिपाठी के साथ एक के अनुपस्थिति दिमाग वाले जो है जूनियर और जो है वरिष्ठ पारस्त्री की भूमिका निभाई थी आपको बता दें बेंगलोर जो है मिरर के एन सेतु माधवन ने नानी को ताज़ा देखने लायक प्रतिभा कहा और त्रिपाठी के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा की डेकन क्रिनिकल के तरफ से सुरेश जो है कवि रैनी ने कहा था नानी का पूरा शो चाहे वह हास्य हो या फिर जो है भावना भरा हो या फिर रोमांस वाला वालों नानी इसे आसानी से कर देते हैं उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर जो है टिक्स फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी सराहा था इस तरह से दोस्तों आपको बता दें भले भले यहाँ पे मुगा दिवे के बाद जो है नानी ने दो सोलह में अधिक आलोचनात्मक जो है प्रशंसा अर्जित की जो कि उनकी पहली रिलीज मूवी कृष्णा गारी बीरा प्रेम गांधी वाली फिल्म थी जिसमें जो है मेहरीन परिजादा ने अभिनय की थी इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी द हंस इंडिया ने कहा था निश्चिंत रूप से नानी का एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है जो कि अपनी ताकत के अनुसार खेलते हैं फिल्म में और इस स्क्रीन पर अपने चरित्र को एक स्वाभाविक जो है एहसास भी देते हैं दर्शकों में भारत में नानी की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी रिलीज होने पर जिसने भले भले मग दिवे मग दी वे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अपनी अगली फिल्म में नारी ने जेंटलमैन में, में शुरी और फ्यजे निवेथा थॉमस के निवेथा थॉमस के साथ अभिनय किया था ये व्यवसायी और फिर जो है आई ए एम इस नाटक की दोहरी भूमिका वाली फिल्म थी और ये जो है ईगा और भाले भाले जो है मगा दिवे के बाद उनकी तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इसने उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया जयो अच तानदन ने और फिर जो है रेजीना और फिर जो है को बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाने के बाद जो है नानी ने उस साल की अपनी आखिरी फिल्म जो है मजनू में अनु अनु इमेनुअल के साथ सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई और ये एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई थी बॉक्स ऑफिस पर इसी के साथ सुपरस्टार नानी ने 2017 में व्यावसायिक सफलता के साथ खुद को साबित किया जहां पे तिरनाथ राव और फिर जो है नक्कीना द्वारा निर्देशित की गई नैनो लोकल नानी की वर्स की सबसे पहली फिल्म थी यहाँ पे वह कीर्ति सुरेश के साथ दिखाई दिए थे वहीं पे दोस्तों आइडियल ब्रेन ने उनके प पर, उनके प्रदर्शन की सराहना की और कहा था कि वह फिल्म को अकेले दम पर आगे बढ़ाते हैं ये फिल्म नानी की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई यहाँ पे नीनू कोरी में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी जिसमें दोस्तों ने मेथा थॉमस के साथ फिर से काम किया वही हालांकि इस फर्स्ट पोस्ट के तरफ से एक आलोचक ने कहा था नानी बहुत ही बढ़िया फिल्म में हालांकि उनका एक मजाकिया पक्ष भी है फिल्म में लेकिन पूरी फिल्म में उन्होंने काफ़ी भावनात्मक भरा काम किया है द इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से प्रियंका सुंदर ने उन्हें दोहराव दाव पाया और बाद में उसी साल उन्होंने साई पल्लवी के साथ जो है मिडिल क्लास और फिर जो अबाय में इडेटिक जो है और फिर जो है मेमोरी वाले एक लड़की की भूमिका निभाई थी ये फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई जिसने जो है नैनू लोकल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी इस तरह से 2018 की अपनी पहली फिल्म में नानी ने अनुपमा परमेश्वरन और फिर जो है जो है ढीलन के साथ कृष्णा अर्जुन के साथ युद्धम फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई थी लगातार आठ सफलताओं के बाद ये फिल्म बॉक्स छब्बीस असफल रही उनकी देवदास में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई जहां पे वह नाग अर्जुन और जो आकांक्षा सिंह और उनके अलावा रश्मिका मंद्रा के साथ दिखाई दिए फिल्म अपने बड़े बजट के कारण बॉक्स ऑफिस पर औसत रही वही द इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से कृष्णा श्रीबाद ने कहा नानी किरदार की तवज्जा में उतर जाते हैं और घाटिया लेखन को सहने योग्य बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं साल 2019 में दोस्तों नानी की पहली रिलीज मूवी श्रद्धा श्रीनिवास के साथ जो है जर्सी फिल्म रिलीज हुई थी जहाँ पे उन्होंने एक पूर्व क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी जो कि अपनी बेटे के लिए क्रिकेट को फिर से शुरू करता है ये फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता साबित हुई इसे उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है और इसे 2019 की सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म में से एक माना जाता है हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हरीशरण पुर द्विपेदी ने कहा नानी अर्जुन के रूप में बहुत ही बढ़िए थे और फिर वह कुछ समय से इस भूमिका में इतने सहज नहीं दिखे हैं इसी के साथ इंडिया टुडे की तरफ से जर्नी ने इस फिल्म के बारे में कहा था जर्सी के लिए नानी के भाव बिल्कुल जो है सही है और वह एक आक्रामक दाएँ हाथ के बल्लेबाज की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाते हैं जो किनानी की क्रिकेट टेक्निक और फिर जो है शेयर्स पर काफ़ी बेहतरीन आधारित फिल्म थी इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सिम्बा क्रिटिक्स अवार्ड भी जिताया था टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से सुहास और फिर जो है एला पान्तुलु ने उन्हें जो है फिल्म का दिल और फिर आत्मा कहा और कहा था कि फिल्म को जीवन देना चाहिए था 2020 में नानी की एकमात्र रिलीज मूवी उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी जिसमें जो है उन्होंने अदिति राव हैदरी के साथ एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई थी ये फिल्म नानी की पहली जो है ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तरफ से थी जो कि अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और ये उनका पहला नकारात्मक किरदार था और मिश्र समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई द न्यूज मेन की तरफ से सौम्या राजेंद्र ने कहा नानी जब भी जो है आगे बढ़ती तो निश्चिंत रूप से यहाँ पे फर्क ये पड़ता है कि वह जो है सहज रूप से मज़ेदार और अपने जो है डार से अपने आस पास के लोगों को डराते हैं लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद आप उनके कार्यों पर सवाल उठाएंगे आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सुपर स्टार नानी की नाम है सरिपोदा सानीवार तो दोस्तों ये फिल्म दो जार जार में रिलीज होने वाली है आज के इस वीडियो में हमने इस मूवीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है तो दोस्तों उम्मीद करता तो आज का रिव्यू एक्सप्रेशन आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो में इतना ही तुम्हें मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मूवी फैक्ट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी पौधा शनिवार फिल्म के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी डॉ में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स चौबीस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है इसी के साथ दोस्तों जब ये फिल्म इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में इसके वजह से दोस्तों आप लोगों को ये आसानी से पता चल जाएगा कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे पहले आपको कौन सा यूरोप चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओडिटी म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी रोब में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी के कि आज इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं सारी पुदा शनिवार फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक अथ्रिया सर ने लिखा है और निर्देशित किया है वहीं इस फिल्म का निर्माण के बारे में हम बात कर ले तो इसका निर्माण जो है भी सर ने एंटरटेनमेंट द्वारा किया है वहीं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में है शिक्षा दोस्तों सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो एस जयसूर्या उनके अलावा आदित्य बालन साई कुमार और उनके अलावा सूफ लेखा सुधाकर भी इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आने वाले हैं अब बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 29 अगस्त 2024 को इंडिया में रिलीज किया जाएगा बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो इस मूवीज को बनाने में नब्बे करोड़ रुपया खर्च हुआ है वही दोस्तों इस फिल्म के बारे में सबसे पहले अक्टूबर दो में इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा स्थायी शीर्षक नानी इकतीस के तहत की गई थी क्योंकि ये मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की इकतीसवीं फिल्म है और इसी के साथ आधिकारिक शीर्षक की घोषणा भी कुछ दिनों बाद की गई थी जो कि मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म का संगीत जेक विजय ने तैयार किया है जबकि फिल्म का छायांकन मुरली जी ने किया है वहीं संपादन के बारे में हम बात कर ले तो संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने की है वही दोस्तों सरिपोधा शनिवार फिल्म उन्तीस अगस्त दो को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है अगर इस फिल्म के विकास और उत्पादन के बारे में हम बात कर ले तो मई 2023 के एंड में विवेक अथरेया और नानी को अंत्य सुधार निकी दो के बाद फिर से एक साथ आने की सूचना मिली थी यह नानी की प्रमुख भूमिका वाली इकतीसवीं फिल्म है जो कि 21 अक्टूबर को परियोजना की आधिकारिक घोषणा आधिकारिक तौर पर जो है डीबीबी एंटरटेनमेंट द्वारा घोषित की गई थी इसका अस्थायी शीर्षक नानी इकतीस रखा गया था शीर्षक जो है सारी पौधा शनिवार तेईस अक्टूबर को सामने आया और वही 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और ग्रुप के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था इसके साथ ही अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और फिर एसजे सूर्या कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म के हीरो नानी के गैंग लीडर फिल्म दो के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करने वाली प्रियंका मोहन और फिर एच जे सूर्या ने भी कलाकारों में शामिल हो गए वही दोस्तों जीवी प्रकाश कुमार और फिर अनिरुद्ध रविचंद्र को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था लेकिन बाद में जेक बिजो इमकला मुरली जी और फिर जो है कार्तिका श्रीनिवास को क्रमश संगीतकार छयाकार और संपादक के रूप में घोषित किया गया है अब इसी के साथ इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और पहला शेड्यूल उसी महीने के एंड में पूरा किया गया दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत तक शुरू हुआ था वहीं इस फिल्म की संगीत के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बुजायद द्वारा नानी और अथरैया के साथ उनके पहले सहयोग में तैयार किया गया था ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे जबकि पहला एकल गरम गरम 25 जून 2015 जून 2024 को रिलीज किया गया था और फाइनली इस फ की रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो सरपुदा शनिवार उन्तीस अगस्त दो को तेलुगु में रिलीज होने वाली है साथ ही इसके दोस्तों तमिल मलयालम और कन्नड में इसके डॉप संस्करणिक संस्करणों के साथ इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा इसके साथ इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार के बारे में हम बात कर ले तो नेटफ्लिक्स को बेच दिया गया है जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आपको वर्तमान में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा ये फिल्म इसी के साथ दोस्तों तेलुगु अभिनेता नानी ने कल अपना जन्मदिन मनाया अभिनेता के एक साल बड़े होने पर उनकी आगामी फिल्म के माताओं ने उनकी आगामी फिल्म की एक झलक साझा करके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है सारीपोदा शनिवार शीर्षक वाली फ़िल्म की झलक दर्शकों को फिल्म में दिखाए जाने के दिखाए जाने वाले एक्शन सीन की झलक जो है बाहर की गई सारीपोदा शनिवार दोस्तों ग्यारह पच्चीस मिनट की झलक जो एक वायस ओवर से शुरू होती है जो कि क्रोध और गुस्से के बारे में बात किया जाता है वह ओवर से पता चलता है कि क्रोध के कई रूप होते हैं और हर जो है व्यक्ति का क्रोध अनोखा होता है ये लाइन फिल्म का टोन सेट करती है और ये दर्शकों के लिए फिल्म में क्या है इसका थोड़ा सा यहाँ पे संकेत दिया गया है जैसे जैसे फिल्म का ट्रेलर आगे बढ़ता है नानी नायक के रूप में उभर कर सामने आते हैं और वह यात्री सीट पर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जो है रिक्शा चलाते हुए दिखाई देते हैं वही दोस्तों आगे के बारे में हम बात कर ले तो रिलीज के बाद से ही टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया है फैंस ने फिल्म को पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है टीजर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फैन ने कहा एस जे सूर्या ऑन फायर आपकी एक्टिंग का आपकी एक्टिंग का डाई हार्ट फैन हूँ मैं वहीं दूसरे फैन ने लिखा है कि एस जे सूर्या को पहचान पहचान पाना मुश्किल हो चुका है साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाएँ दिया गया वहीं दोस्तों तीसरे फैन ने कमेंट किया वहीं ब्लॉकबस्टर बास्टर वाइब्स पहले ही आ चुकी है उन्होंने ये बताया सारी पौधा शनिवार की झलक से संगीत मिलती है कि फिल्म एक्शन से भरपूर होगी जो कि एक गुस्सैल युवा व्यक्ति फिल्म की कहानी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं टीजर में शानदार संगीत भी होने वाला है जो कि आपको नानी के लिए उत्साहित जो है करेगा और उनकी एंट्री अनोखी है फिल्म में और ये आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी आप जानते हैं कि उनकी एंट्री का नानी की एंट्री का स्वागत होता है नानी के अलावा हमारे पास इस फिल्म में है जो पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाई दे रहे हैं इस दमदार कास्ट के साथ आप मान सकते हैं कि फिल्म एक साथ एंटरटेन होने वाली है नानी एसडे सूर्य प्रियंका अरुल मोहन और फिर साई कुमार पी अभिनीत की गई ये सारी पोधा शनिवार को विवेक अथरैया ने लिखा है और निर्देशित किया है फिल्म का निर्माण दे बी बी सर ने किया हुआ है तो दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा तो दोस्तों अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सारी खुदा शनिवार एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है साल 2024 के अंदर तो दोस्त अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं इसी के साथ दोस्तों अभिनेता नानी के बारे में हम बात कर ले तो नानी का जन्म चौबीस फरवरी 2024 को हुआ था एक हिंदू तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था वहीं इनकी करियर के बारे में हम बात कर ले तो स्नातक होने पर नानी को फिल्मों की लत लग गई थी जो कि उनका मानना था कि मणि रत्नम उन पर जो है बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं और वह निर्देशक जो है बनना चाहते थे पहले हालांकि निर्माता अनिल कुमार निर्माता अनिल कुमार के नेरू ने उन्हें अपने प्रोडक्शन जो है राधा गोपालम 2005 में निर्देशक जो है बाबू के साथ क्लैब जो है डायरेक्टर के रूप में इनको काम पर रखा था जो कि इसके बाद उन्होंने अल्लारी ब्लूटू फिल्म 2005 पर काम किया इसके अलावा अस्थ 2006 दो हज़ार छः पर और फिरध्य दो हज़ार सात जो फिल्मों के लिए काम किया नानी ने एक फिल्म की पदकथा पर काम करने के लिए एक विश्राम लिया था जो कि फिल्म के अंदर भार्गवी मल्लेला उनके एक दोस्त थी जो कि उस समय जो है वर्ल्ड स्पेस यानी से कि सेटेलाइट के लिए आरजे के रूप में काम कर रही थी उन्होंने नानी को आरजे के रूप में काम की काम की पेशकश की थी फिर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और एक साल तक वहां काम किया था वही दोस्तों बता दें निर्देशक मोहन कृष्णा उनके अलावा इंद्र क्रांति ने नानी को एक विज्ञापन में देखा और फिर उन्हें जो है वो पुरोक्त फिल्म जो अष्ट चम्मा में एक भूमिका की पेशकश कर दी जिसमें फिल्म के अंदर शुरुआती रेड्डी भी थी जो कि अष्ट चम्मा को आलोचकों ने खूब ज़्यादा सराहा और फिर नानी के प्रदर्शन की प्रशंसाएं की उन्होंने काफ़ी बेहतरीन इसमें अभिनय किया साथ ही सेफी डॉट कॉम ने लिखा था नानी की स्क्रीन पर उपस्थिति बहुत ही अच्छी है और उनमें अच्छी भावनाएं भी हैं और वह अच्छा नृत्य भी करते हैं हालाँकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी कभी जो है फिल्म के अंदर शुभ लेखा शुद्धाकर की याद दिला देती है और इसे उसे सहजता के लिए प्रशंसा के रूप में माना जा सकता है बताया गया जो कि अनुभवी अभिनेता स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे थे उनकी लत भी अच्छी है जो कि उनकी दूसरी फिल्म जो है राइड का निर्माण भी है वही दोस्तों विलम कुंडा सुरेश ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था जिसमें तनिश जिसमें तनिष सवेता और फिर जो है बासु प्रसाद और फिर अक्षयानी की और दास ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी राइड भी बॉक्स ऑफिस पर एक उल्लेखनीय सफलता है फिल्म थी जो कि दोस्तों बता दें कि भीमी ने कबड्डी जट्टू में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी जो कि फिल्म के अंदर यहाँ पे विनीला कबड्डी और फिरजो कु की रिमेक थी जिसमें दोस्तों बता दें कि सरनै मोहन ने नायिका के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया नानी के अभिनय की सराहना के साथ फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली इसके साथ ही दोस्तों रेडियो डॉट कॉम की तरफ से रिव्यू करते हुए कहा गया था नानी भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं और इस स्क्रिप्ट का चयन करने के लिए उनकी सराहना भी की गई और वन इंडिया ने टिप्पणी किया था कि नानी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आश्चर्यजनक हिट साबित हुई थी अब दोस्तों साल 2014 के बाद 2011 में उनकी पहली रिलीज़ मोफिज अल्लाह मोडलैंडी फिल्म थी जिसमें नंदिनी रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित की गई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी मूवी जो कि जहां पे दोस्तों की उन्हें जो है नित्य मिलन के साथ कास्ट किया गया था फिल्म में वही फिल्म में नानी के प्रदर्शन नानी के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी आलोचकों ने कहा था कि वह पूरी तरह से जो है स्वाभाविक थे और अपनी भूमिका को जी रहे थे फिल्म में वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी इसके साथ ही उन्होंने एक तमिल फिल्म जो है बेपम में भी काम किया जो तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी वहीं बेपम को मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दोस्तों नानी की सराहना हुई थी जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आलोचक ने उनके डेब्यू को आत्मविश्वास से भरा हुआ कहा जबकि सिफी ने उनके प्रदर्शन को दिलचस्प कहा था और इसे तेलुगु में जो है सेगा के रूप में ड्रॉफ किया गया था नानी की साल की आखिरी रिलीज मूवी जो है पिल्ला जमींदार फिल्म थी जिसे जो आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी और फिर दोस्तों यहाँ पे बिग डॉस बच्चे से नेता बने नानी की अभिनय की खूब ज्यादा सराहना हुई थी राधिका राजमरी ने कहा था कि ये पूरी तरह से नानी का शो है और वह भूमिका में खड़े उतरते हैं और फिर उन्हें जो अपेक्षित जो भावनाओं के बहु प्रदर्शकों को चित्रित करने में काफी ज्यादा सक्षम है इंडिया गलेट ने लिखा था प्रदर्शन के लिहाज से नानी ने दूसरे भाग में आत्मा आत्मा निरक्षण आत्मनिरीक्षण काम किया है आत्मा सुधार मोड़ में एक युवा के रूप में एक

वही बता दें राजीव मंशर ने कहा था कि नानी उन कुछ यानी कि देशों में प्रेमी लड़कों के रूप में छा गए हैं जिनमें उन्हें देखा गया है जबकि अन्य आलोचकों ने भी कहा था कि वह सीमित स्क्रीन समय में एक छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक फिल्म थी और इसे हिंदी में भी मखी और मलयालम में ईचा के रूप में ड्रॉप किया गया था उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज मूवी गौतम वासुदेव मिनन की यहाँ पे ये तो और फिर जो है बिल्ली पे जो है मनाशु फिल्म थी जिसमें जो उन्होंने समानता रोत प्रभाव के साथ एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई थी द हिंदू से संगीता दंडू ने कहा था नारी ने परिपक्वता अभिनय के साथ इस अवसर को भुनाया है और वह अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाती है और इसी के साथ वरुण के विचारों को सबसे छोटे छोटे हाव भाव के माध्यम से व्यक्तित किया गया है चर्मोत्कर्ष के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म का चरमो तकर्ष चर्मो यहाँ पे पूरी तरह से उनका ही है क्योंकि सी एन एन आई बी एन ने उन्हें जो है सर्वोत्कृष्ट रूप से जो है स्वाभाविक पाया हालांकि फिल्म को और फिर समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली है नानी और समानता के अभिनय के कारण बॉक्स ऑफिस पर इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिर नानी को अब तक का अपना पहला और एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी मिल चुका है इस तरह से 2014 में नानी को पहली बार कृष्णा वामचे की फिल्म जो है पैसा में देखा गया था और ये फिल्म पैसों की ताकत और फिर समाज में हर चीज़ पर उसके प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती हुई चीज़ों को फिल्म में दिखाया है दोस्तों नानी ने प्रकाश की भूमिका फिल्म में निभाई जो कि एक शर्वारी मॉडल है फिल्म में जिसे पैसा कमाने का जुनून है फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिलती है रिलीज होने पर फिर भी नानी के अभिनय को आलोचकों ने सराहा था हिंदू समीक्षक ने नोट किया था कि वह फिल्म को एक साथ रख सकते हैं और अपनी योग्यता को एक बार फिर जो है साबित करते हैं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अपादा फिल्म थी जो कि इसके बाद जो है उन्होंने से फिल्म्स की पहली जो है दक्षिण भारतीय जो है प्रोडक्शन आहा कल्याण में अभिनय किया दो हजार की हिंदी फिल्म जो है बैड बैंड बाजा बरात की तमिल रीमेक थी और फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली रिलीज होने पर साथ ही नानी ने पहली बार राजनीतिक थ्रिलर जो है जानदा पे कपी राजू में अमला पॉल के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई थी जिसे तमिल में फिल्म के अंदर जो है निमी रंधो नील के रूप में बनाया गया था जिसने जिसमें जो है नानी की भूमिका में जयम रवि थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आबादा फिल्म साबित हुई थी जो कि यहाँ पे युव ने और फिर सुब्रमण्यम में एक जो है यहाँ पे आई 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 एम स्नातक को चित्रित किया था जिसे जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी इसी के साथ इस फिल्म के बारे में हेमंत कुमार ने इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक करार दिया और कहा नानी पूरी फिल्म में चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रतिभा के अपने अपने गार में गहराई से उतरते हैं उनकी अंतिम रिलीज जो है भले 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 जो है फिल्म के अंदर माग दिव्य थी नानी ने यहाँ पे लाइना त्रिपाठी के साथ एक के अनुपस्थिति दिमाग वाले जो है जूनियर और जो है वरिष्ठ परस्त्री की भूमिका निभाई थी आपको बता दें बेंगलोर जो है मिरर के एन सेतु माधवन ने नानी को ताजा देखने लायक प्रतिभा कहा और त्रिपाठी के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा की के तरफ से सुरेश जो है कवि रैनी ने कहा था नानी का पूरा शो चाहे वह हास्य हो या फिर जो है भावना भरा हो या फिर रोमांस वाला वालों नानी इसे आसानी से कर देते हैं उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर जो है टिक्स फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी सराहा था इस तरह से दोस्तों आपको बता दें भले भले यहाँ पे मुगा दिवे के बाद जो है नानी ने दो सोलह में अधिक आलोचनात्मक जो है, है अर्जित की जो कि उनकी पहली रिलीज मूवी कृष्णा गारी बीरा प्रेम गांधी वाली फिल्म थी जिसमें जो है मेहरीन परिजादा ने अभिनय की थी इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी द हंस इंडिया ने कहा था निश्चिंत रूप से नानी का एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला जो कि अपनी ताकत के अनुसार खेलते हैं फिल्म में और इस स्क्रीन पर अपने चरित्र को एक स्वाभाविक जो है एहसास भी देते हैं दर्शकों में भारत में नानी की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी रिलीज होने पर जिसने भले भले मग दी वे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अपनी अगली फिल्म में नानी ने जेंटलमैन में, में शुरी और फ्यजे निवेथा थोमस के निवेथा थोमस के साथ अभिनय किया था ये व्यवसायी और फिर जो है आई ए एम इस नाटक की दोहरी भूमिका वाली फिल्म थी और ये जो है ईगा और भाले भाले जो है मगा दिवे के बाद उनकी तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इसने उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया जयो अच तांदन ने और फिर जो है रेजीना और फिर जो है कैंसेंद्रा को बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाने के बाद जो है नानी ने उस साल की अपनी आखिरी फिल्म जो है मजनू में अनु अनु इमेनुअल के साथ सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई और ये एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई थी बॉक्स ऑफिस पर इसी के साथ सुपरस्टार नानी ने 2017 में व्यवसायिक सफलता के साथ खुद को साबित किया जहां पे तिरनाथ राव और फिर जो है नक्की द्वारा निर्देशित की गई नेनू लोकल नानी की वार्स की सबसे पहली फिल्म थी जहां पे वह कीर्ति सुरेश के साथ दिखाई दिए थे वहीं पे दोस्तों आइडियल ब्रेन ने उनके प पर, उनके प्रदर्शन की सराहना की और कहा था कि वह फिल्म को

दोहराव दाव पाया और बाद में उसी साल उन्होंने साई पल्लवी के साथ जो है मिडिल क्लास और फिर जो अबाय में इडेटिक जो है और फिर जो है मेमोरी वाले एक लड़के की भूमिका निभाई थी ये फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई जिसने जो है नैनू लोकल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी इस तरह से 2018 की अपनी पहली फिल्म में नानी ने अनुपमा परमेश्वरन और फिर जो है रुखसार जो है ढीलन के साथ कृष्णा अर्जुन के साथ युद्धम फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई थी लगातार आठ सफलताओं के बाद ये फिल्म बॉक्स छब्बीस असफल रही उनकी देवदास में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई जहां पे वह नाग अर्जुन और फिर जो आकांक्षा सिंह और उनके अलावा रश्मिका मंदरा के साथ दिखाई दिए फिल्म अपने बड़े बजट के कारण बॉक्स ऑफिस पर औसत रही वही द इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से कृष्णा श्रीबाग ने कहा नानी किरदार की तवज्जा में उतर जाते हैं और घाटिया लेखन को सहने योग्य बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं साल 2019 में दोस्तों नानी की पहली रिलीज मूवी श्रद्धा श्रीनिवास के साथ जो है जर्सी फिल्म रिलीज हुई थी जहाँ पे उन्होंने एक पूर्व क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी जो कि अपनी बेटे के लिए क्रिकेट को फिर से शुरू करता है ये फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता साबित हुई इसे उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है और इसे 2019 की सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म में से एक माना जाता है हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हरीशरण पुर ने कहा नानी अर्जुन के रूप में बहुत ही बढ़िए थे और फिर वह कुछ समय से इस भूमिका में इतने सहज नहीं दिखे हैं इसी के साथ इंडिया टुडे की तरफ से जर्नी ने इस फिल्म के बारे में कहा था जर्सी के लिए नानी के भाव बिल्कुल जो है सही है और वह एक आक्रामक दाए हाथ के बल्लेबाज की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाते हैं जो किनानी की क्रिकेट टेक्निक और फिर जो है शेयर्स पर काफ़ी बेहतरीन आधारित फिल्म थी इसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए सिम्बा क्रिटिक्स अवार्ड भी जिताया था टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से सुहास और फिर जो है ने उन्हें जो है फिल्म का दिल और फिर आत्मा कहा और कहा था कि फिल्म को जीवन देना चाहिए था 2020 में नानी की एकमात्र रिलीज मूवी उनकी पच्चीसवीं फिल्म थी जिसमें जो है उन्होंने अदिति राव हैदरी के साथ एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई थी ये फिल्म नानी की पहली जो है ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तरफ से थी जो कि अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और ये उनका पहला नकारात्मक किरदार था और मिश्र समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक देखी जाने वाली फिल्म बन गई द न्यूज मेन की तरफ से सौम्या राजेंद्र ने कहा नानी जब भी जो है आगे बढ़ती तो निश्चिंत रूप से यहाँ पे फ़र्क ये पड़ता है कि वह जो है सहज रूप से मज़ेदार और अपने जो है डार्के ह्यूमर से अपने आस पास के लोगों को डराते हैं लेकिन असच्चाई सामने आने के बाद आप उनके कार्यों पर सवाल उठाएंगे आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सुपरस्टार नानी की फिल्म जिसका नाम है सारिपोदा सानी वारम तो दोस्तों ये फिल्म दो में रिलीज होने वाली है आज के इस वीडियो में हमने इस मूवीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है तो दोस्तों उम्मीद कर दो तो आज का रिव्यू एक्सप्रेशन आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो में इतना ही तुम्हें मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मूवी फैक्ट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारी पौधा शनिवार फिल्म के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी डब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स चौबीस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है इसी के साथ दोस्तों जब ये फिल्म इंडिया में रिलीज होगा तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में इसके वजह से दोस्तों आप लोगों को ये आसानी से पता चल जाएगा कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे पहले आपको कौन सा यूरोप चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओडिटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी डॉब में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूरोप पर हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज किस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब एक ही मोई को नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सारी पुता शनिवार के बारे में दोस्तों ये फिल्म तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक अथ्रिया सर ने लिखा है और निर्देशित किया है वहीं इस फिल्म का निर्माण के बारे में हम बात कर ले तो इसका निर्माण जो है देवी दानिया सर ने देवी एंटरटेनमेंट द्वारा किया है वहीं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म में नानी और प्रियंका मोहन मुख्य भूमिकाओं में है शिक्षा दोस्तों सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो एस जय सूर्या उनके अलावा आदित्य बालन साई कुमार और उनके अलावा सूफ लेकर सुधाकर भी इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आने वाले हैं अब बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 29 अगस्त 2024 को इंडिया में रिलीज किया जाएगा बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो इस मूवीज को बनाने में नब्बे करोड़ रुपया खर्च हुआ है वही दोस्तों इस फिल्म के बारे में सबसे पहले अक्टूबर दो में इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा स्थायी शीर्षक नानी इकतीस के तहत की गई थी क्योंकि ये मुख्य अभिनेता के रूप में नानी की इकतीसवीं फिल्म है और इसी के साथ आधिकारिक शीर्षक की घोषणा भी कुछ दिनों बाद की गई थी जो कि मुख्य फोटोग्राफी अगले महीने शुरू हुई वर्तमान में इसे मुख्य रूप से हैदराबाद में कई चरणों में शूट किया गया है वहीं दोस्तों इस फिल्म का संगीत जेक विजय ने तैयार किया है जबकि फिल्म का छायांकन मुरली जी ने किया है वहीं संपादन के बारे में हम बात कर ले तो संपादन कार्तिका श्रीनिवास ने की है दोस्तों सरिपोधा शनिवार फिल्म 29 अगस्त को दुनिया भर के रिलीज होने वाली है अगर इस फिल्म की विकास और उत्पादन और को अंते निकी 2022 के बारे सूचना मिली थी यह नानी की प्रमुख भूमिका वाली इकतीसवीं फिल्म है जो 21 अक्टूबर को परियोजना की अधिकारी अधिकारी तौर पर जो है घोषित की गई थी इसका अस्थायी शीर्षक नानी इकतीस रखा गया था शीर्षक जो है सारी पौधा शनिवार तेईस अक्टूबर को सामने आया और वही 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक मुहूर्त पूजा समारोह आयोजित किया गया था इसके साथ ही अक्टूबर 2023 में प्रियंका मोहन और फिर एस डे सूर्या कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म के हीरो नानी के गैंग लीडर फिल्म 2019 के बाद दूसरी बार नानी के साथ सहयोग करने वाली प्रियंका मोहन और फिर एच जे सूर्या ने भी कलाकारों में शामिल हो गए वही दोस्तों जीवी प्रकाश कुमार और फिर अनिरुद्ध रविचंद्र को फिल्म के संगीतकार के रूप में माना गया था लेकिन बाद में जेक बिजो मुरली जी और फिर जो है कार्तिका श्रीनिवास को कर्मश संगीतकार क्षयकार और संपादक के रूप में घोषित किया गया है अब इसी के साथ इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2023 में हैदराबाद में शुरू हुई और पहला शेड्यूल उसी महीने के एंड में पूरा किया गया दूसरा शेड्यूल दिसंबर 2023 के अंत तक शुरू हुआ था वहीं इस फिल्म संगीत के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर जैक बुजाई द्वारा नानी और अथरैया के साथ उनके पहले सहयोग में तैयार किया गया था ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा अधिग्रहित किए गए थे जबकि पहला एकल गरम गरम 25 जून दो हजार जून 2024 को रिलीज किया गया था और फाइनली इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो सरिपुदा शनिवार उन्तीस अगस्त दो को तेलुगू में रिलीज होने वाली है साथ ही इसके दोस्तों तमिल मलयालम और कन्नड में इसके ड्रॉप संस्करण संस्करणों के साथ इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा इसके साथ इस फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार के बारे में हम बात कर ले तो नेटफ्लिक्स को बेच दिया गया है जी हाँ दोस्तों ये फिल्म आपको वर्तमान में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा ये फिल्म इसी के साथ दोस्तों तेलुगु अभिनेता नानी ने कल अपना जन्मदिन मनाया अभिनेता के एक साल बड़े होने पर उनकी आगामी फिल्म के माताओं ने उनकी आगामी फिल्म की एक झलक साझा करके प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है सारिपौदा शनिवार शीर्षक वाली फ़िल्म की झलक दर्शकों को फिल्म में दिखाए जाने के दिखाए जाने वाले एक्शन सीन की झलक जो है बाहर की गई सारीपौदा शनिवार दोस्तों ग्यारह पच्चीस मिनट की झलक जो एक वायस ओवर से शुरू होती है जो कि क्रोध और गुस्से के बारे में बात किया जाता है वह शोवर से पता चलता है कि क्रोध के कई रूप होते हैं और हर जो है व्यक्ति का क्रोध अनोखा होता है ये लाइन फिल्म का टोन सेट करती है और ये दर्शकों के लिए फिल्म में क्या है इसका थोड़ा सा यहाँ पे संकेत दिया गया है जैसे जैसे फिल्म का ट्रेलर आगे बढ़ता है नानी नायक के रूप में उ कर सामने आते हैं और वह यात्री सीट पर एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जो है रिक्शा चलाते हुए दिखाई देते हैं वही दोस्तों आगे के बारे में हम बात कर ले तो रिलीज के बाद से ही टीजर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया है फैंस ने फिल्म को पहले ही ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है टीजर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फैन ने कहा एस जे सूर्या ऑन फायर आपकी एक्टिंग का आपकी एक्टिंग का डाई हार्ड फैन हूँ मैं वहीं दूसरे फैन ने लिखा है कि एस जे सूर्या को पहचान पहचान पाना मुश्किल हो चुका है साथ ही जन्मदिन की शुभकामनाएँ दिया गया वहीं दोस्तों तीसरे फैन ने कमेंट किया वहीं ब्लॉकबस्टर बास्टर वाइब्स पहले ही आ चुकी है उन्होंने ये बताया सारी पौधा की झलक से संगीत मिलती है कि फिल्म एक्शन से भरपूर होगी जो कि एक युवा व्यक्ति फिल्म की कहानी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं टीजर में शानदार संगीत भी होने वाला है जो कि आपको नानी के लिए उत्साहित जो है करेगा और उनकी एंट्री अनोखी है फिल्म में और ये आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी आप जानते हैं कि उनकी एंट्री का नानी की एंट्री का स्वागत सीटीओ शो होता है नानी के अलावा हमारे पास इस फिल्म में अजय सूर्या है जो पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में दिखाई दे रहे हैं इस दमदार कास्ट के साथ आप मान सकते हैं कि फिल्म एक साथ एंटरटेन होने वाली है नानी अजय सूर्या प्रियंका अरुलमोहन और फिर साई कुमार पी अभिनीत की गई यह सारी पौदा शनिवार को विवेक अथरैया ने लिखा है और निर्देशित किया है फिल्म का निर्माण दे भी दानिया सर ने किया हुआ है तो दोस्तों फिल्म में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा तो दोस्तों अगर आप लोग नानी के फ़ैन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सारी सो शनिवार एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है साल 2024 के अंदर तो दोस्त अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं इसी के साथ दोस्तों अभिनेता नानी के बारे में हम बात कर ले तो नानी का जन्म 24 फरवरी 2024 को हुआ था एक हिंदू तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था वहीं इनकी करियर के बारे में हम बात कर ले तो ये स्नातक होने पर नानी को फिल्मों की लत लग गई थी जो कि उनका मानना था कि मणि रत्नम उन पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और वह निर्देशक जो है बनना चाहते थे पहले हालांकि निर्माता अनिल कुमार निर्माता अनिल कुमार के नेू ने उन्हें अपने प्रोडक्शंस जो है राधा गोपालम 2005 हज़ार पाँच में निर्देशक जो है बाबू के साथ क्लैब जो है डायरेक्टर के रूप में इनको काम पे रखा था जो कि इसके बाद उन्होंने अल्लारी ब्लूटू फिल्म 2005 पर काम किया इसके अलावा अस्तलम 2006 पर और फिरध्य दो हज़ार सात सहित जो फिल्मों के लिए काम किया नानी ने एक फिल्म की पदकथा पर काम करने के लिए एक विश्राम लिया था जो कि फिल्म के अंदर भार्गवी मल्लेला उनके एक दोस्त थी जो कि उस समय जो है स्पेस यानी से कि सेटेलाइट के लिए आर के रूप में काम कर रही थी उन्होंने नानी को आर के रूप में काम की काम की पेशकश की थी फिर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और एक साल तक वहां काम किया था वही दोस्तों बता दें निर्देशक मोहन कृष्णा उनके अलावा इंद्र क्रांति ने नानी को एक विज्ञापन में देखा और फिर उन्हें जो है उपरोक्त फिल्म जो अष्ट चम्मा में एक भूमिका की पेशकश कर दी जिसमें फिल्म के अंदर सुवाति रेड्डी भी थी जो कि अष्ट चम्मा को आलोचकों ने खूब ज़्यादा सराहा और फिर नानी के प्रदर्शन की प्रशंसाएँ की उन्होंने काफ़ी बेहतरीन इसमें अभिनय किया साथ ही सेफी डॉट कॉम ने लिखा था नानी की स्क्रीन पर उपस्थिति बहुत ही अच्छी है और उनमें अच्छी भावनाएं भी हैं और वह अच्छा नृत्य भी करते हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी कभी जो है फिल्म के अंदर शुभ लेखा शुभ की याद दिला देती है और इसे के के लिए प्रशंसा रूप में माना जा सकता है बताया गया जो कि अनुभवी अभिनेता स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे उनकी लत भी अच्छी है जो कि उनकी दूसरी फिल्म जो है राइड का निर्माण भी है वही दोस्तों विलम कुंडा सुरेश ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था जिसमे जिसमें तनिष जिसमें सवेता और फिर जो है बासु प्रसाद और फिर अक्ष यानी की और दासनी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी राइट भी बॉक्स ऑफिस पर एक उल्लेखनीय सफलता फिल्म थी जो कि दोस्तों बता दें कि भीमी ली कबड्डी जट्टू में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी जो कि फिल्म के अंदर यहाँ पे विनीला कबड्डी और की कुमेक थी जिसमें दोस्तों बता दें कि सरनैया मोहन ने नायिका के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया नानी के अभिनय की सराहना के साथ फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली इसके साथ ही दोस्तों रेडियो डॉट कॉम की तरफ से रिव्यू करते हुए कहा गया था नानी भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं और इस स्क्रिप्ट का चयन करने के लिए उनकी सराहना भी की गई और वन इंडिया ने टिप्पणी किया था कि नानी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आश्चर्यजनक हिट साबित हुई थी अब दोस्तों साल 2014 के बाद 2011 में उनकी पहली रिलीज मुफ़ीज़ अल्लाह मोडलैंडी फिल्म थी जिसमें नंदिनी रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित की गई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी मूवी जो कि जहां पे दोस्तों फादी की उन्हें जो है नित्य मिलन के साथ कास्ट किया गया था फिल्म में वही फिल्म में नानी के प्रदर्शन नानी के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी आलोचकों ने कहा था कि वह पूरी तरह से जो है स्वाभाविक थे और अपनी भूमिका को जी रहे थे फिल्म में वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी इसके साथ ही उन्होंने एक तमिल फिल्म जो है व्यपम में भी काम किया जो तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी वहीं बेपम को मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दोस्तों नानी की सराहना हुई थी जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आलोचक ने उनके डेब्यू को आत्मविश्वास से भरा हुआ कहा जबकि सिफी ने उनके प्रदर्शन को दिलचस्प कहा था और इसे तेलुगु में जो है सेगा के रूप में ड्रॉफ किया गया था नानी की साल की आखिरी रिलीज मूवी जो है पिल्ला जमींदार फिल्म थी जिसे जो आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी और फिर दोस्तों यहाँ पे बिग डॉल बच्चे से नेता बने नानी की अभिनय की खूब ज्यादा सराहना हुई थी राधिका राजमरी ने कहा था कि ये पूरी तरह से नानी का शो है और वह भूमिका में खड़े उतरते हैं और फिर उन्हें जो अपेक्षित जो भावनाओं के बहु प्रदर्शकों को चित्रित करने में काफी ज्यादा सक्षम है इंडिया गलेट ने लिखा था प्रदर्शन के लिहाज से नानी ने दूसरे भाग में आत्मा आत्मा निरक्षण काम किया है आत्मा सुधार मोर में एक युवा के रूप में एक

वही बता दे राजीव मंसर ने कहा था कि नानी उन कुछ यानी कि देशों में प्रेमी लड़कों के रूप में छा गए हैं जिनमें उन्हें देखा गया है जबकि अन्य आलोचकों ने भी कहा था कि वह सीमित स्क्रीन समय में एक छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक फिल्म थी और इसे हिंदी में भी मखी और मलयालम में ईचा के रूप में ड्रॉप किया गया था उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज मूवी गौतम वासुदेव मिलन की यहाँ पे ये तो और फिर जो है बिल्ली वे जो है मनाशु फिल्म थी जिसमें जो उन्होंने समानता रोत प्रभु के साथ एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई थी द हिंदू से संगीता दंडू ने कहा था नानी ने परिपक्वता अभिनय के साथ इस अवसर को भुनाया है और वह अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाती है और इसी के साथ वरुण के विचारों को सबसे छोटे छोटे हाव भाव के माध्यम से व्यक्त किया गया है चर्मोत्कर्ष के बारे में हम बात कर ले तो इस फिल्म का चरमो तकर्ष चर्मोत्कर्ष यहाँ पे पूरी तरह से उनका ही है क्योंकि सी एन एन आई बी एन ने उन्हें जो है सर्वोत्कृष्ट रूप से जो है स्वाभाविक पाया हालांकि फिल्म को और फिर समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली है नानी और समानता के अभिनय के कारण बॉक्स ऑफिस पर इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिर नानी को अब तक का अपना पहला और एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार भी मिल चुका है इस तरह से 2014 में नानी को पहली बार कृष्णा वामचे की फिल्म जो है पैसा में देखा गया था और ये फिल्म पैसों की ताकत और फिर समाज में हर चीज़ पर उसके प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती हुई चीज़ों को फिल्म में दिखाया है दोस्तों नानी ने प्रकाश की भूमिका फिल्म में निभाई जो कि एक शर्वारी मॉडल है फिल्म में जिसे पैसा कमाने का जुनून है फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिलती है रिलीज़ होने पर फिर भी नानी के अभिनय को आलोचकों ने सराहा था हिंदू समीक्षक ने नोट किया था कि वह फिल्म को एक साथ रख सकते हैं और अपनी योग्यता को एक बार फिर जो है साबित करते हैं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अपादा फिल्म थी जो कि इसके बाद जो है उन्होंने यश राज दक्षिण भारतीय जो है, भार है प्रोडक्शन आहा कल्याण में अभिनय किया दो हजार की हिंदी फिल्म जो है बैड बैंड बाजा बरात की तमिल रीमेक थी और फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देखने को मिली रिलीज होने पर साथ ही नानी ने पहली बार राजनीतिक थ्रिलर जो है जानदा पे कपी राजू में अमला पॉल के साथ दोहरी भूमिकाएं निभाई थी जिसे तमिल में फिल्म के अंदर जो है निमी रंधो नील के रूप में बनाया गया था जिसने जिसमें जो है नानी की भूमिका में जयम रवि थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आबादा फिल्म साबित हुई थी जो कि यहाँ पे युवत और फिर सुब्रहण्यम में एक जो है यहाँ पे आई 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 एम स्नातक को चित्रित किया था जिसे जो है सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी इसी के साथ इस फिल्म के बारे में हेमंत कुमार ने इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से एक करार दिया और कहा नानी पूरी फिल्म में चरित्र के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रतिभा के अपने अपने सस्त्र गार में गहराई से उतरते हैं उनकी अंतिम रिलीज जो है भले 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 जो है फिल्म के अंदर मांग दिव्य थी नानी ने यहाँ पे लओवाना त्रिपाठी के साथ एक के अनुपस्थिति दिमाग वाले जो है जूनियर और जो है वरिष्ठ पारस्त्री की भूमिका निभाई थी आपको बता दें बेंगलोर जो है मिरर के एन सेतु माधवन ने नानी को ताजा देखने लायक प्रतिभा कहा और त्रिपाठी के साथ उनकी केमिस्ट्री की प्रशंसा की डेकन क्रीनिकल के तरफ से सुरेश जो है कभी रैनी ने कहा था नानी का पूरा शो चाहे वह हास्य हो या फिर जो है भावना भरा हो या फिर रोमांस वाला वालों नानी इसे आसानी से कर देते हैं उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर जो है टिक्स फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से भी सराहा था इस तरह से दोस्तों आपको बता दें भले भले यहाँ पे मुगा दिवे के बाद जो है नानी ने दो सोलह में अधिक आलोचनात्मक जो है प्रशंसा अर्जित की जो कि उनकी पहली रिलीज मूवी कृष्णा गारी बीरा प्रेम गांधी वाली फिल्म थी जिसमें जो है मेहरीन परिजादा ने अभिनय की थी इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी द हंस इंडिया ने कहा था निश्चिंत रूप से नानी का एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला जो कि अपनी ताकत के अनुसार खेलते हैं फिल्म में और इस स्क्रीन पर अपने चरित्र को एक स्वाभाविक जो है एहसास भी देते हैं दर्शकों में भारत में नानी की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई थी रिलीज होने पर जिसने भले भले मग दिवे मग दी वे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अपनी अगली फिल्म में नारी ने जेंटलमैन में, में शुरी और फ्यजे निवेथा थोमस के निवेथा थोमस के साथ अभिनय किया था ये व्यवसायी और फिर जो है आई ए एम इस नाटक की दोहरी भूमिका वाली फिल्म थी और ये जो है ईगा और भाले भाले जो है मगा दिवे के बाद उनकी तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई इसने उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिलाया जयो अच तानदन ने और फिर जो है रेजीना और फिर जो है कैसेन्द्रा को बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाने के बाद जो है नानी ने उस साल की अपनी आखिरी फिल्म जो है मजनू में अनु अनु इमेनुअल के साथ सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई और ये एक बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म बन गई थी बॉक्स ऑफिस पर इसी के साथ सुपरस्टार नानी ने 2017 में व्यावसायिक सफलता के साथ खुद को साबित किया जहां पे तिरनाथ राव और फिर जो है नक्कीना द्वारा निर्देशित की गई नैनो लोकल नानी की वर्स की सबसे पहली फिल्म थी यहाँ पे वह कीर्ति सुरेश के साथ दिखाई दिए थे वहीं पे दोस्तों आइडियल ब्रेन ने उनके प पर, उनके प्रदर्शन की सराहना की और कहा था कि वह फिल्म को अकेले दम पर आगे बढ़ाते हैं ये फिल्म नानी की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई यहाँ पे नीनू कोरी में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी जिसमें दोस्तों ने थॉमस के साथ फिर से काम किया वही हालांकि इस फर्स्ट पोस्ट के तरफ से एक आलोचक ने कहा था नानी बहुत ही बढ़िया फिल्म में हालांकि उनका एक मजाकिया किया पक्ष भी है फिल्म में लेकिन पूरी फिल्म में उन्होंने काफी भावनात्मक भरा काम किया है द इंडियन एक्सप्रेस के तरफ से प्रियंका सुंदर ने उन्हें